सभी को गुड मॉर्निंग हम लोग चर्चा जारी रखेंगे लेकिन पहला ये है कि आज की क्लास में मैं कुछ संक्षेप में रिवीजन कराऊंगा फिर आज दो अहम टॉपिक होगा पहला होगा जीवों के संदर्भ में प्रजातियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा विषय होगा अनुक्रमण के बारे में पारिस्थिति अनुक्रमण के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे योजना जनवरी महीने के जो योजना पर्यावरण का जो आया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को लेना है खरीदना है वो जो योजना जो आई हुई है अभी योजना में उसमें कॉप पच्चीस के बारे में दिया हुआ है मैड्रिड सम्मेलन के बारे में पहला उसमें प्रकाश जावड़ेकर जो पर्यावरण मंत्री है उनके बारे में फिर डॉक्टर स्वामीनाथन का वहां पर जो है इंटरव्यू दिया हुआ है फिर वहां फ्लोराइड के बारे में दिया हुआ है अंत में एक पार्ट होता है क्या आप जानते हैं डू यू नो सेगमेंट उसमें हाथियों के गलियारों के बारे में दिया हुआ है भारत में जो हाथी के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा कई जगहों पे हाथी रिजर्व बनाया गया है दो पेज का उसमें अंतिम में आर्टिकल दिया हुआ है सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे योजना में और उसमें मानव और पशु संघर्ष जो है या मानव या जंतु या प्राणी संघर्ष जो है उसके बारे में वहां पर जानकारी दिया हुआ है तो इस बार का योजना जो है पढ़ना है हो सकता है एक या दो क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है एग्जाम में ठीक है अब मैं रिविजन के तौर पर भी आ रहा हूँ पहला जो है जो मैंने क्लास में बताया था कि पारितंत्र के विषय में है ना जंगल बुक के बारे में जैसे मोगली है या बल्लू या बगीरा ये सभी दर्शाता है कि एक वन जो है पारितंत्र है जहां पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं मैं ये बता चुका हूं के बारे में जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया जिससे शब्द बना हुआ है है ठीक पारितंत्र के बारे में जली पारितंत्र है फिर हम लोगों ने सेवाओं के बारे में पढ़ा कल क्लास में कि हमें पारितंत्र से क्या क्या लाभ मिलता है कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था तो यहां पर इसका समर ही है कि जितने पारितंत्र क्या है वायु जल मृदा है ना भूमि सभी से बना हुआ है फिर यहाँ पर जो है एक अच्छी अर्थव्यवस्था जो है पारितंत्र के बिना नहीं हो सकता है जो भी हमें संसाधन मिलता है वो सभी हमें पारितंत्र से मिलता है चाहे वन हो कृषि भूमि हो कहीं से भी हमें प्राप्त होते हैं फिर यहाँ जैसे यहाँ पर वेलबींग है वेल ना कल्याण मानव कल्याण तभी हो सकता है जब हम पारितंत्र का हम संरक्षण करें फिर यहाँ दिया हुआ है भोजन जल और पदार्थ जितने भी है चाहे वो सब्जी हो या फल हो जिस प्रकार का हमें खाद्य पदार्थ मिलता है वो सभी चीजें हमें पारितंत्र से उपलब्ध होता है फिर यहाँ पर है कि पब्लिक हेल्थ स्वास्थ्य का जो है फिर यहाँ पर दिया हुआ सेवाओं में क्या चाहिए नीति चाहिए तो जो सरकारें होती है वो नीति बनाती है है ना कई बार जो संयुक्त राष्ट्र का योगदान होता है अंतरराष्ट्रीय तौर पे ताकि राष्ट्र के सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण या पारितंत्र के संरक्षण के लिए नई नीतियों को बनाया जा सके राष्ट्रीय स्तर पे और एक होता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहल की जाती है कल जो से मैंने बताया शराबी जो है आकलन रिपोर्ट जो है पालितंत्र आकलन रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिपोर्ट रहा है मैं अभी आपको वेबसाइट भी ले जाऊंगा उसमें फिर यहाँ पर यह चीज है जलवायु के विषय में प्रदूषण के विषय में भूमि उपयोग जो होता है आज जैसे मानव आदि बढ़ता जा रहा है भूमि उपयोग चाहे हम कृषि का विस्तार कर रहे हो खनन कर रहे हो या जल विद्युत परियोजना हो तो कहीं ना कहीं पर उसका प्रभाव जो है पड़ रहा है पर्यावरण पर तो ये एक कल का क्लास का जो मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था वो संदर्भ में अब जैसे मैंने अभी जो रिपोर्ट कल मैंने क्लास में तो जो भी रिपोर्ट में क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूं तो आपको प्रयास करना है कि जाके पढ़ना है, है ना उसके बारे में अध्ययन करना है कहीं ना कहीं सर्च करना है उसको पढ़ना है वहां पर तो मैं आपको मिलेनियम इको सिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट में ले जा रहा हूं मैं ये बहुत बड़ी परियोजना थी जहां पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा या महासभा जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था अब यहां पर ये इसका मेन जब आप जाएंगे इसमें आपको पूरा रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर ये अब यहां जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं कोई भी वेबसाइट होगा तो सभी चीजों को नहीं पढ़ना है सबसे पहले पढ़ना है अबाउट उसके बारे में जो ओवरव्यू है ना ओवरव्यू से आपको जानकारी मिलता है जैसे यहां दिया हुआ है कि वॉट इज मिलेनियम इको सिस्टम रिपोर्ट 2001 में जैसे सस्त्राब्दी की शुरुआत हुई इक्कीसवीं सदी की शुरुआत होने पे कॉफी है ना संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव जो है उस समय कॉफी अनन थे और कॉफी अनन के द्वारा ये वहां पर ये पहल किया गया जहां पे वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया कि आप पारितंत्र का अध्ययन करके रिपोर्ट निकालिए कि क्या सेवाएं हैं वहां पर है ना जो, जो कल मैंने क्लास में थी यहाँ पर ये चीज है इसको मिलेनियम इकोसिस्टम सिस्टम यहाँ दिया हुआ है कम से कम इसमें एक हजार तीन सौ साठ से अधिक विशेषज्ञों का योगदान रहा है इसमें काफी संख्या में जो वैज्ञानिक है या विशेषज्ञ इस क्षेत्र में उन्होंने अपने द्वारा अध्ययन करके ये रिपोर्ट को तैयार किया और फिर अब अब जाएंगे यहाँ पर तो ये क्या संकट है ये बता दिया गया है और यहाँ नीचे यहाँ पर सारे जो जो भी सेवाएं हैं इसके बारे में तो ये पूरा बैकग्राउंड जो है ये आपको पूरा बैकग्राउंड में नहीं जाना है यहाँ पर जो मैंने कल फ्लो चार्ट में, में बताया कि क्या क्या उसमें सेवाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए फिर कल मैंने क्लास में टीईबी के बारे में बताया ठीक है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि हो सकता है कि किताबों में टीईबी के, के बारे में दिया हो या करंट अफेयर के मटेरियल में कहीं ना कहीं टीईबी के बारे में दिया हो लेकिन फिर भी आपको ये प्रयास होना चाहिए कि आप उसके जो होम पेज है एक बार होम पेज जाकर आप देखें कि वहां क्या दिया हुआ है ठीक है इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट तभी अच्छा होगा अगर विद्यार्थी या अभ्यार्थी है अब ये धीरे धीरे अपनी आदत डालेंगे वेबसाइट को जाकर पढ़ने का है ना उसके बिना सफलता नहीं आएगी जितने हिंदी माध्यम में जिनका टॉप रैंकर्स है जिसको रिजल्ट आ रहा है वो सभी यही काम करते हैं तभी उनका सफलता हुआ है जो विद्यार्थी नहीं कर पाते उनका सफलता नहीं हो पाता ठीक है तो वहां पर इसलिए मैंने कल बताया कि ये हिंदी बनाम अंग्रेजी वाला विवाद नहीं है कंटेंट की बात है जहां कंटेंट मिलता है और एक बहुत ये भी है ना कि आज जो हमारा देश है यहाँ विभिन्न भाषा है वहां पर है ना अलग अलग राज्य है एक आई ऑफिसर है ना या एक आई ऑफिसर जिनकी पोस्टिंग मान ले तमिलनाडु में हो जाए आपके ऊपर तो कैडर नहीं निर्भर करता है ठीक है तो वहां तो आपकी तमिल भाषा नहीं है पर पकड़ या तो आप हिंदी जानते हैं तो वहां पर अंग्रेजी जो है इंग्लिश कभी भी भारत से खत्म नहीं होने वाला है चाहे जितना भी हम लोग हिंदी के लिए प्यार व्यक्त करें कि हिंदी हमारे देश में हिंदी भाषा हो जो भी है वो हो सकता है कि सुनने में और करने में बहुत अच्छा लगे लेकिन ये सच्चाई है ये ना कड़वा सच्चाई है कि इंग्लिश के बिना कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाएगा है ना पूर्वोत्तर के राज्य है या गुजरात महाराष्ट्र हो गया या कोई भी दक्षिण भारत है जो है तो एक लैंग्वेज जो सबको जोड़ता है वो इंग्लिश है तो एक सिविल सेवक को अंग्रेजी आना चाहिए और मैं केवल हिंदी वालों को बात नहीं करता हूँ मैं जब मैं दक्षिण भारत में पढ़ाता हूँ जो तमिलनाडु के जो विद्यार्थी होते हैं या कन्नड़ जो कर्नाटका वाले होते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि अपनी इंग्लिश को आप ठीक कीजिए आप उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है है ना उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है अब जिन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा में या अपने राज्य में जो कन्नड़ भाषा में तमिल में उन्होंने दसवीं कक्षा पढ़ाई कर चुका है बारहवीं कक्षा तो पढ़ाई किया है तो उनको भी उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है तो ये कोई क्वेश्चन हिंदी भाषा की बात नहीं है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है ऐसा नहीं है पूरे देश भर में जब भी सी सेट लाया गया तो अलग अलग भाषा यहां पर है तो इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है जो भी आई आईपीएस बनता है उनको सीखना पड़ता है आजकल फाइल वर्क होता है सारा इंग्लिश में होता है ठीक है तो इसीलिए जहां भी कंटेंट मिलता है आप जितनी अपने आप को दूर भागेंगे आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा ये बहुत सिंपल सी बात है यूपीएससी परीक्षा ये चीजों को देख रहा है क्योंकि उनको देश चलाने के लिए ऐसे प्रशासक चाहिए तो वहां पर भाषा होना चाहिए है ना हिंदी के प्रति हमारा जितना प्यार है सम्मान है वो सही बात है वो वो अलग नहीं हो सकता है लेकिन कार्य करने के लिए सरकार चलाने के लिए इंग्लिश चाहिए तो वहां पर ये बाकी चीजें राजनीति होती है वो अलग बात है आपको एक सिविल सेवक के तौर पर सोचना है तो जैसे मैंने बताया ये वेबसाइट है ये वेबसाइट आपको हिंदी में नहीं मिलेगा कई बार आप पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो वो अनुवादित नहीं होता है ठीक है पीआईबी के भी कई कुछ ऐसे प्रेस विज्ञप्ति होता है जो अनुवादित नहीं होता है तो आपको वो इंग्लिश में ही पढ़ के अपने मन में ही अनुवादन करना पड़ेगा या जब आप लिखते हैं तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा ठीक है व्यक्त तो आप कर सकते हैं अभिव्यक्ति जो है हिंदी में लिखने में जब परीक्षा पेपर में आएगा तो उसकी अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं अगर ये चीज पता हो कि उसमें क्या जानकारी है

माना गया कि हाँ ये किया जा सकता है तो यहां पर जब आप रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी दी जाती है क्या लिखा हुआ वैश्विक पहल है यह एक वैश्विक पहल है जो कि मेकिंग ने वैल्यू विजिबल है कि प्रकृति का जो मूल्य है वो लोगों को पता चले है ना उसके लिए यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया गया फिर क्या लिखा हुआ मेन स्ट्रीम करना जैव विविधता के जो मूल्य है या पारितंत्री सेवाएं हैं उनको जो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो उपयोग के तौर पर उसको मेन स्ट्रीम करना जो है है ना तो यहां पर जितने भी है एग्रीकल्चर कृषि और खाद्य के संदर्भ में रिपोर्ट किया गया और कल मैंने एग्जाम्पल दिया था टीबी गिद्धों के लिए काना पंच जो गलियारा है 2004 और 2005 में आयुष संस्था द्वारा किया गया अब जैसे यहां पर ये यह जानकारी है 2016 जा में क्वेश्चन भी पूछा गया तो ये यह यहां पर जब भी है पहले क्या करना है अबाउट पढ़ना है सारी चीजों को नहीं पढ़ना है वह क्या पहल है उसका उद्देश्य क्या है ना किस संदर्भ में उसका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है पहले वो चीज को पढ़ना है अब जैसे यहां पर है इनिशिएटिव ये जो पहल क्या चीज है फिर टीएबी लीडर के बारे में दिया हुआ है पवन सुखदेव के बारे में आपको यहाँ जानकारी दिया हुआ है ये चीज है यहाँ पर एक अप्रोच दिया कैप्चर के यहाँ बैकग्राउंड दिया हुआ है दो हजार सात है ना कल मैंने जो लिखवाया था कि वर्ष दो हजार सात में यह पहल किया गया आज से तेरह वर्ष पहले की बात है अब यहाँ दिया जी एट और फाइव का राष्ट्र जो है, है उनके द्वारा पहल अब यहाँ पर जितना है ये रिपोर्ट वगैरह अब आपको रिपोर्ट में नहीं जाना है उतना डिटेल नहीं पढ़ना है क्या पहले ये पता होना चाहिए और जो उसका जो लीडर है यहाँ पर दिया हुआ है जब आप जाएंगे टी वी स्टडी लीडर तो यहाँ पवन सुखदेव जो है उनके बारे में जानकारी दिया हुआ है स्पेशल एडवाइजर लिखा हुआ है और यूएनएपी का ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था के वहां पर जो है एडवाइजर है है इन, ना बारे में जानकारी दिया हुआ तो ये पता होना बहुत जरूरी है जब भी आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए विद्यार्थी को तो यहां पे इसे टीवी का है। अब जैसे मैं गिद्धों के बारे में बताया अब जैसे गिद्ध गिद के बारे में तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कहां पे आपको मिलेगा आयुषन के वेबसाइट मिलेगा आयुष का कि अपनी हर राष्ट्र का जहां जहां भी उनका हेडक्वार्टर um, होता है मुख्यालय होता है उस राष्ट्र का अपना वेबसाइट होता है अब मैं आपको आयुष इंडिया in ले जा रहा हूं ठीक है आयुष इंडिया जो है तो आयुष इंडिया in में ये चीज है इसमें बांग्लादेश बांग्लादेश कंबोडिया चीन और भारत ये चार राष्ट्रों दिया हुआ है जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहां पर है। दो हजार चौदह पंद्रह में सॉरी चौदह पंद्रह में दिया दिया हाल ही में हुआ हुआ है। है? अब क्या प्रजाति, जीप वैज्ञानिक नाम है जीप बंगाल जीप इंडिका ये सब गिद्धों के प्रकार जो उनके नाम पर है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड दिया हुआ दो हजार चौदह पंद्रह का है और यहां लिखा हुआ डेक्लोफिनाक के उपयोग के कारण संतानवे प्रतिशत से अधिक जो है गिद्धों में कमी आई है अब यही बात को यहाँ दूसरे पैरगल दिया हुआ है कि एक तरह का दवा है जो जो कि पशु पाल जो पालक होते हैं या मालिक होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है और कल मैंने बताया कि अगर गिद्ध नहीं हो प्राकृतिक तौर पर मृत पोषी ना हो तो हमें जो मृत पशुओं को कही कहीं ना कहीं डिस्पोज करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए ताकि बीमारी ना फैले उसके लिए हमें फिर अलग से खर्च करना होगा तो वो नगर पालिका या ग्राम पंचायत पे एक तरह का उसमें बो जाएगा तो अगर प्राकृतिक तौर पे गिद्ध है तो वो प्राकृतिक तौर पे सारे जितने भी ऐसे जो मृत पशु या जानवर या प्राणी होता है उसको वो खाता है और अपने पर्यावरण को हमारे पर्यावरण को साफ करता है तो ये टी भी अध्ययन किया गया कि कितना क्षति हो सकता है कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है तो ये सब हो गया केस अध्ययन जब आप केस स्टडी के बारे में पता है ठीक है फिर मैंने क्लास में बताया था जैविक आवर्धन के बारे में ठीक है तो जैविक आवर्धन में भी मैंने कई उदाहरण मैंने आपको दिया था जैसे मैंने बताया था मीना माटा है ना मीना माटा तो आपको कोशिश करना है अपने मोबाइल फोन में या जहां भी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है वहां पर आप देख के करना है अब ये चीज है मीना माटा के बारे में मीना माटा रोग जो है सीजो जो है कंपनी है जपनी कंपनी था जिन्होंने जो बिना शुद्धिकरण किए मिथाइल मरकुरी निर्वहन जो है वो बे में किया गया था उसके कारण ये रोग होता है तो ये यह चीज यहाँ पर है अब यहाँ लिखा हुआ है मीनामाटा कब हुआ था ये जो पार्ट होता है पीपल ऑल्सो आस्क बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाती है है ना आप 10 वेबसाइट खोल के पढ़ेंगे ये जो कॉलम होता है क्या लिखा इट इज नाउ फिफ्टी ईयर्स पचास वर्ष हो चुका है क्या लिखा वे? कि ये मई 1956 में छप्पन में वहां पर उस समय जो घटना आई थी वहां पर लिखा चार जो मरीज थे मीनामाटा शहर में उनको पाया गया था वहां पर द्वीप जी वे? चार द्वीपों से बना हुआ है ना अब जापान जो है जब आप भूगोल पढ़ते हैं विश्व भूगोल मैपिंग वगैरह पार्ट जो होता है तो वहां पर ये मीनामाटा जगह है शहर है जहाँ पर तो उन्नीस में ये घटना हुई थी और आज दो हजार बीस है ना पचास वर्ष से ज्यादा हो चुका है। है ना, अधिक समय जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए इस वर्ष में कहां पर यह घटना हुई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा था आज भी जब भी आप पर्यावरण किताब पढ़ेंगे तो मीनामाटा रोग के बारे में जानकारी दिया जाता है ठीक है तो ये जो चीज है कि वेन डेढ़ महीना कर यहाँ पे क्या है एक कैसे यहाँ पर प्रभाव डालता है प्रदूषण के तौर पे यहाँ पर तो इसके बारे में यह जानकारी दिया होता है ना इसके बारे में आपको जानकारी फिर मैंने क्लास में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है यूएन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम उसके द्वारा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पहल किया गया मीनामाता कन्वेंशन लाया गया अभी समय यह संधि और इसके दो बार कॉप हो चुका है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दो बार सम्मेलन आयोजित हो चुका है जिनेबा में हुआ है भारत भी एक पक्षकार राष्ट्र है भारत ने हस्ताक्षर कर रखा है और हमने स्वीकृति प्रदान कर रखा है तो यानी कि मिनामाटा अभी समय में जितने भी प्रावधान है हमें अपने देश में भी लागू करना होगा उसमें क्या प्रावधान दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों में जहां पर हम पारा का उपयोग करते हैं हमें उसे 2025 तक में हटाना है उपयोग से हटाना है जिसमें उसमें कई चिकित्सा संबंधित उपकरण जैसे कि थर्मोमीटर या ब्लड प्रेशर को जो है रक्तचाप को वहाँ पर उसका मेजरमेंट के लिए मापन के लिए जो होता है स्पिगमो मैनोमीटर होता है ठीक है प्रेशर को मापन करने के लिए जो है बैरोमीटर होता है तो वहाँ एक लिस्ट बनी हुई है जो भारत में हटाना है भारत को पाँच वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है मीनामाटा दो इस वर्ष में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जो भी लिस्ट दिया हुआ है उनको हटाना है

हस्ताक्षर कर रखा है दो से ये क्रियान्वित हो चुका है है ना और लोकेशन है दिया हुआ है और दो में पहली बार इसको प्रस्तावित किया गया था इसके बारे में आपको जानकर कई बार क्या होता है कि जब आप गूगल करते हैं ये चीज का उपयोग क्या कीजिए आप गूगल इमेज इसमें इन्फोग्राफिक होता है ये भी बहुत लाभकारी होता है जो चीज आप वेबसाइट से पैराग्राफ पढ़ेंगे कई चीजें जो इन्फोग्राफिक होता है बहुत आसान कर देता है उसकी समरी बनी होती है और गूगल इमेज में काफी इस तरह का जानकारी होता है कोई भी कीवर्ड उठाया कीवर्ड को अगर आप खोल के आप देखेंगे गूगल इमेज में उस संदर्भ में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा और बहुत सारे लिंक मिल जाता है नहीं तो आपको एक एक करके सारा पेज खोलना होगा ये पढ़ने का तरीका है ये ये जो है नए पढ़ने का तरीका यहाँ पर है जैसे मैंने अभी ओपन किया है यहाँ पर अब ये मरकुरी के बारे में दिया हुआ है कहाँ कहाँ होता है कोयला चालित जो थर्मल पावर प्लांट होता है ताप विद्युत परियोजना तो कोयले के दहन से भी पारे का उत्सर्जन होता है दिया हुआ है बीपी स्पीगो मैनोमीटर जो है फिर यहाँ दिया हुआ है डेंटिस्ट जो होता है डेंटिस्ट जो होता है, है दांत को फिल करने के लिए सिल्वर यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर डेंटल फाइलिंग फिलिंग लिखा हुआ है बैटरी जो होता है मरकुरी उपयोग होता है पैरा का उपयोग होता है फिर यहाँ पर दिया हुआ है स्किन लाइटनिंग कॉस्मेटिक जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है वहाँ भी उपयोग होता है मालगम वगैरह बोलते हैं मिश्रण के तौर पे होता है फिर यहाँ दिया हुआ है जो जो गोल्ड होता है ना स्वर्णकार जो होता है सोने की जो सफाई वगैरह होता है उसमें प्यूरिफिकेशन होता है वहां भी मरकुरी या पारा का उपयोग होता है फिर यहां पर आपका दिया हुआ लाइट बल्ब मरकुरी वेपर लैम्प दिया हुआ सर और यही चीज क्वेश्चन आ सकते हैं जो पे से चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारा का उपयोग कहाँ कहाँ है चीज हटाने की बात की जा रही है

आर्सनिक मैंने बताया आर्सनिक पश्चिम बंगाल में है ना वहां पर जो लोग वहां प्रभावित हो रहे हैं यूपी बिहार में भी की समस्या है ठीक है वहां लोगों की जाने भी जा रही है फिर मैंने कल एक और बताया था एंडो सल्फान कसर गोड मैंने बताया अब जैसे ये एंडो सल्फान का है बहुत सारे आर्टिकल है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी सारा आर्टिकल मिलेगा एंडोसल्फान मैं सर्च कर रहा हूं पर एंडो सल्फान ठीक है और ये जो कसर गोड जगह है जहां 500 लोगों की जाने गई है यह हिंदू अखबार में 2011 हजार ग्यारह का क्या लिखा हुआ आर्टिकल वहां का जैव विविधता को भी हानि हुई है कीटनाशक केरल की जो राज्य सरकार है राज्य सरकार के द्वारा एंडोसल्फान का खेती या कृषि में उपयोग पे पाबंदी लगा दिया गया प्रतिबंध लगाया गया लेकिन तो आज पूरे भारत में 100 प्रतिशत एंडो पे पाबंदी नहीं लगाई गई है अनुपम वर्मा समिति रिपोर्ट बनाया गया जिसपे इसको अध्ययन करने के लिए भारत में ऐसे कौन कौन से हानिकारक कीटनाशक है जो हम कृषि से बाहर कर सकते हैं क्या हटा सकते हैं ठीक है उसमें भी एंडोसल्फान पे भी कोई भी फैसला नहीं हुआ है ये 2011 का हिंदू अखबार का रिपोर्ट है लिखा हुआ यहां पर कैश्यू काजू काजू की जो खेती होती वहाँ पर, जो है, यहां लिखा यहां जो है जो वहाँ पर लिखा हुआ है है प्लांटेशन और यहाँ लिखा हुआ है केवल मानव ही नहीं अन्य जो जीव है उस पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है तो जो भी चीजें मैं क्लास में बता रहा हूं उसको फिर लिंक करना है अगला स्टेप होना चाहिए उसको लिंक करना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना हो सकता है कि एंडोसल्फान पे सवाल क्वेश्चन आ जाए यूपीसी चाहे तो आपसे मुख्य परीक्षा में भी बोल सकता है ठीक है और मैंने कल क्या बताया कि एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट है पर्यावरण सामान्य अध्ययन के हर विषय से जुड़ा हुआ है मैंने कल एक क्लास बताया था एलिलोपैथी बताया एलिलोपैथी जो है तो एलिलोपैथी जो है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है भूगोल से कृषि के संदर्भ में आता है पर्यावरण के संदर्भ में आता है अब एंडोसल्फान है कीटनाशक है कृषि संबंधित है और कृषि किससे जुड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों जुड़ा हुआ है वो दोनों में पढ़ाया जाता है ना तो आपको पर्यावरण का जो मुद्दा है वो आपको फिर भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होगा फिर उसको लिंक करना होगा जो मुख्य परीक्षा का आंसर होता है वो कई बार डायरेक्ट नहीं होगा इनडायरेक्ट होगा तो आपको लिंक करके लिखना पड़ेगा इससे कल मैंने क्लास से बताया पारितंत्र के संदर्भ में संरचित कोई भी तीन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो भारत में ऐसे कई कार्यक्रम है चाहे वो प्रदूषण का रोकथाम हो या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हो या किसी प्रकार का जैव विविधता के संरक्षण के लिए हो तो भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं हैं तो आपको योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए तो यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये जैसे एग्जाम्पल है जैसे ये हमेशा प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलता है तो उसके बारे में आपको इकट्ठा करना है जानकर क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आएगा और मैं इसलिए बार बार चेतावनी देता हूँ क्लास में और हर बैच में मैं ये कहीं एक बैच की बात नहीं है मैं जहां भी पढ़ाता हूँ जिस इंस्टूड्यूट में पढ़ाता हूँ जहां भी होता है मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ना है लेकिन आग बंद करके नहीं पढ़ना है कोई गारंटी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही ठीक है लेकिन आपको सब्जेक्ट को पढ़ के खुद से भी प्रयास करना है अखबार पढ़ना नहीं छोड़ना है अखबार पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे रेडीमेड मटेरियल की तरफ ज़्यादा भागेंगे तो आपका सफलता होने का चांस कम हो जाएगा ये कल भी मैंने क्लास में समझाया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करंट अफेयर्स आपको मार्च अप्रैल के महीने में आपको मिल जाएगा आप उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं लेकिन जो हर दिन जो आप अखबार पढ़ते हैं हर दिन का जो न्यूज़ होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यूपीएससी यही चाह भी रही है कि उनको ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो कि रेगुलर जो हर दिन जो इनका काम होता है ये नहीं कि जो शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है और लास्ट पॉमेंट पढ़ रहा है ना उन, 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 उनको इससे क्वेश्चन हमेशा अलग पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन अलग होगा बिल्कुल अलग होगा मैं इसे पहले से बताया था इस बार भी 2020 का जो एग्जाम होगा आसान नहीं होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल अलग होगा इसलिए उसके लिए क्या तैयारी जो बोलते हैं ना तैयारी तो तैयारी यही तरह पर होता है कि आपको कई चीज़ें पता है और कल मैंने एक मॉडल बताया था फनल मॉडल कि आपको जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जानकारी की अभाव होगी तो आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ठीक है और कुछ जगहों पे गहराई चाहिए डेप्थ चाहिए आंसर राइटिंग में डेप्थ चाहिए तो वो चीज़ को बिल्ड करना होगा ठीक है तो ये मैंने अभी एग्जांपल दिया ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अखबारों में या कहीं भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो जो कल मैंने बताया पारितंत्र सेवाओं के विषय में उसको फिर लिंक करना है किताब में या जो भी क्लास में पढ़ते हैं वो एक चाहिए थेरी होता है फिर थेरी को कैसे अप्लीकेशन में लाया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फिर मैं अभी आ रहा हूं फिर मैंने टेंसरे के बारे में बताया था का जो अभिकल्पना है परिकल्पना के बारे में खाद्य श्रृंखला के बारे में यह होता है पादब पलवक इसको खाने वाला होता है प्राणी पलवक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो पादप पल्व को खाता है वो फिर उसके छोटी मछली और बड़ी मछलियां ये हो गया सागरीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में और यहाँ पर ये यह चीज है पौधा टिड्डा चूहा सर्प और बाज है ये खाद्य श्रृंखला हो गया फिर यहां पर ये यह है डायटम इसको कहते हैं डायटम महासागर या सागर में पाया जाता है सूक्ष्म जीव जैसा होता है और इनमें पिगमेंट होता है हरा भूरा जैसे शैवाल होता है उसी तरह होता है एल्गी की तरह होता है ठीक है और डायटम को खाने वाला कस्ट्याई होता है जैसे कि क्रैब वगैरह जो है ठीक है फिर लॉबस्टर होता है कई बार झींगा या सिम्प वगैरह होता है ठीक है और कस्ट्याई को खाने वाला हेरिंग होता है मैंने क्लास में बताया था पहली क्लास में मछली है जो कि केकड़ा वगैरह खा सकता है ठीक है तो ये खाद्य श्रृंखला है फिर खाद्य जाल मैंने बताया था विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में पारस्परिक जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती है जहां कई प्रकार के जीव उपभोक्ता और उत्पादक आपस में जुड़े होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह कई दिशाओं में होता है बहुपतगामी होता है मल्टी ठीक है अब ये एक है दूसरा ये चीज है मैंने बताया जितना ज्यादा ऑप्शंस होगा विकल्प होगा जितना जटिल होगा उतना ज्यादा स्थिर होगा है ना ये अगर इसी खाद्य जाल में अगर कोई एक जीव खत्म हो जाए जैसे पिक्का पिक्का क्या है टेललेस माउस होते हैं एक ऐसा चूहा होता तो है जहां पोच नहीं होता है उसको पिका बोलते हैं अगर पिका खत्म हो जाए तब भी जो ऊपर रिंग टेल और बाकी जो जीव है उसको फिर भी भोजन मिल जाएगा क्योंकि विकल्प है अगर विकल्प नहीं होगा तो जीवित नहीं रह सकता है ऊपर के जो स्तर के पोषण स्तर के जो जीव है अगर उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होगा तो उनपे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे जटिल होता है जहां ज्यादा ऑप्शन या विकल्प होता है तो ऊपर के स्तर के जो सजीव होता है उनको फिर भी खाने को भोजन मिल जाएगा तो वो खाद्य जाल नष्ट नहीं होगा खत्म नहीं होगा स्थिर स्थिरता ज्यादा होगी ठीक है तो ये यह चीज यहां पर है फिर यहां पर मैंने बताया था चार्ल सेल्टन के बारे में पिरामिड पिरामिड का जो विचार है ये पिरामिड है संख्या का पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड जैव भार या जीव भार का पिरामिड और यहां पर उदाहरण है जैसे अगर ये तीन उदाहरण लें नटल पौधा खरगोश और लोमड़ी जैसे घास हिरण बाघ तो हम क्या पाते हैं संख्या का पिरामिड घटते हुए क्रम में होते है जय भार का पिरामिड भी घटते क्रम में होगा और ऊर्जा का पिरामिड भी घटते हुए क्रम में होगा यानी तीनों के तीनों पिरामिड सीधा है अपराइट है लेकिन अगर दूसरा उदाहरण ले हम नेटल का पौधा एफिड एक तरह का कीट होता है और उसको खाने वाला जो टू स्पॉट लेडी बर्ड वो भी एक प्रकार का कीट होता है परजीवी है वो तो हम क्या पाते हैं कि जो एफिड है उसकी संख्या अधिक है पहला पहला क्या संख्या का पिरामिड है और उससे थोड़ा सा कम होगा लेडीबर्ड का ठीक है अगर हम तीसरा ले नेटल पौधा कैटरपिलर जो जो तितलियों का जो कैटरपिलर होता है लार्वा वगैरह जो होता है और उसको खाने वाला जो वास्प है तो हम क्या पाते हैं? फिर वो बढ़ता हुआ फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है यानी कि संख्या का पिरामिड या जय भार का पिरामिड वो किसी प्रकार का उसकी आकृति हो सकती है लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा वो निर्भर करता है खाद्य श्रृंखला कौन सा है फूड चेन कौन सा है ठीक है ये उदाहरण के तौर पर फिर यहां पर यह चीज है जली पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है बढ़ते हुए क्रम में होता है ये चीज है ना कौन सा उसमें उत्पादक होता है जैसे फाइटो प्लांटन पादक पलवक या सेवाल उसको खाने वाले जंतु पलवक होगा फिर मछलियां होंगी बड़ी मछली छोटी बड़ी तो वहां पर वजन बढ़ता हुआ होता है फिर मैंने ये भी क्लास में बताया था वृक्ष पारितंत्र वृक्ष पारितंत्र में परजीवी खाद्य श्रृंखला एक वृक्ष में कई चिड़ियों या पक्षियों का रहने का स्थान एक पक्षी पर कई जुए हो सकता है जो कि परजीवी या पैरासाइट होता है तो हम संख्या का पिरामिड यह क्या चीज चाहिए उदाहरण है संख्या का पिरामिड बढ़ते हुए क्रम में होता है यानी उल्टा होता है उल्टा बनता है ये यह उदाहरण यहां पर है फिर इसके बाद आता है यहां पर लिंडबैन पारिस्थिति की दक्षता ऊर्जा दक्षता दस प्रतिशत का नियम रेम लिंडबैन के द्वारा दिया गया और इस संदर्भ में यहां पर जो है इस तरह का होता है तो पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड उष्मा गति के नियम के अनुसार और लिंडमैन के दस प्रतिशत के नियम के अनुसार हमेशा घटते हुए क्रम में होगा यानी कि हमेशा सीधा बनेगा यही उदाहरण है यहाँ पर जब आप किताब में अध्याय जब चैप्टर पढ़ते ये चीज दिया होता है चाहे वो एन किताब हो कोई भी बुक में दिया हो ये चीज दिया होगा और उत्पादकता मैंने बताया था क्लास में पारितंत्रिक उत्पादकता है ना कहा सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है वर्षा वन में मैंग्रोव वन में प्रवाल भित्ती में नम भूमि या आर्द्र भूमि में और सबसे कम कहाँ होगा रेगिस्तान में मरुस्थल में अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 500 से कम जो है रेगिस्तान में ये जो है रेगिस्तान में बहुत कम होगा सौ से भी कम होगा इसके बाद जो टाइगा वन होता है उसमें भी लगभग मध्यम लेवल होता है अब यहाँ जैसे यहाँ पर है अगर आप ये देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना दो है टू के बराबर है और मैंने क्लास में बताया था कि यूपीएससी परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा उदाहरण पूछा जाएगा आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सकल उत्पादकता कितना है नेट कितना उत्पादकता है है ना प्राथमिक उत्पादकता या द्वितीय उत्पादकता ये चीजें नहीं पूछी जाएगी आपसे क्वेश्चन होगा कहाँ पर कहाँ सबसे अधिक है कहाँ मध्यम है कहाँ निम्न है या घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में उसको उसके जो भी क्रम में उसकी पहचान करना ठीक है तो ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अब जो मैं क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ सामुदायिक परिस्थिति के संदर्भ में अब हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे क्लास में जो मैंने आज क्लास में बताया एक प्रजातियों के संदर्भ में और दूसरा होगा अनुक्रमण के विषय में ठीक है ये मैंने रिविजन कराया जो भी हम लोग तीन क्लास में पढ़ चुके हैं तो हमेशा वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करना है और मैं मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि क्लास में सीखना है और क्लास के बाद जाके उसको पढ़कर पढ़ लेना है क्योंकि रीजन क्या है बाद में समय नहीं मिलेगा मार्च अप्रैल में आप किताब खोल के नहीं पढ़ेंगे आप जो पढ़ने का काम है वो अभी अब हो सकता है उस समय तो केवल रिवीजन का काम होगा लास्ट मोमेंट में कोई पढ़ाई नहीं होता है जो भी पढ़ना है अभी आप मार्च तक में आप पढ़ सकते हैं उस समय जितना रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा कई विद्यार्थी क्या करते हैं लास्ट तक पढ़ते रहते हैं एग्जाम के रात तक भी पढ़ते रहते हैं कोई मतलब नहीं है एग्जाम से दो तीन दिन पहले छोड़ देना चाहिए क्रिकेट और फुटबॉल और मूवी टीवी सब देखना चाहिए जो साल भर नहीं किया वो लास्ट मोमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है सिंपल सा बात है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना है राइट right? और इसे मैंने क्लास में बताया कि जो लोग क्लास में आ रहे हैं जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं मैं उनकी गिनती नहीं करता हूं ठीक है आ रहे है नहीं आ रहे उससे लेकिन जो लोग नहीं आ रहे वो क्या होता है कि मैंने बताया क्लास में कि बाद में आप वीडियो देखना चाहेंगे तीन घंटे का वीडियो फिर आपको तीन घंटा समय बर्बाद करना होगा और कई बार क्या होता है वीडियो में कुछ पार्ट चल रहा होगा फिर आप कहीं आगे करेंगे कहीं आपने फॉरवर्ड किया पता चला बीच में बहुत अहम बात थी वो मिस हो गया या कहीं बार बैठ के उसको कॉपी कर रहे हैं नोट्स एक क्लास में रहने का क्या फ़ायदा है कि क्लास के साथ साथ होता जा रहा है बाद में आपको समय नहीं बर्बाद करना होता है तो ये एडवांटेज होता है वीडियो क्लास क्यों विजन दिया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई या जो लोग दूर में नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए सपोर्ट होता है ठीक है लेकिन क्लास में जो लोग होता है उनका ज़्यादा लाभ होता है ठीक है लेकिन फिर भी मैं पता है इसलिए विजन छोड़ना नहीं चाहिए क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है कई चीजें जो क्लास में आप सीखते हैं ठीक है वो चीजें आपको एग्जाम में काम आता है ठीक है नहीं तो वीडियो तो आजकल सब है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है हर टीचर का हर इंस्टीट्यूट का पर्यावरण में आपको भर भर का वीडियो मिल जाएगा और आजकल तो ये हो गया ना टेलीग्राम ये सारा यूट्यूब आजकल ये पब्लिसिटी का माध्यम हो गया लोग इससे पब्लिसिटी भी करते हैं ना इस तो पब्लिसिटी का एक माध्यम बन गया क्योंकि ये डिमांड हो गया मैं भी बेंगलोर में था तो वहाँ बोले सर वो वीडियो क्लास का आजकल बच बच्चे डिमांड करते हैं अब ये डिमांड हो गया और यूपीएससी भी इस बात को अच्छी तरह जानती है यूपीएससी को ही पता है ये क्या चल रहा है तो इसलिए हर बार जो क्वेश्चन बनता है ना पूरा उसपे पूरा रिसर्च किया जाता है उसके बाद क्वेश्चन सेट होता है इसलिए बता भटकाव है ना ये समय जो है भटकाव का समय है आपको बहुत सारे प्रलोभन मिलेगा बड़े बड़े पोस्टर और खासकर मुखर्जी नगर का बुरा हाल इसलिए हुआ है सब टीचर अपना बड़ा बड़ा फोटो था ये आईएस वो आइए आई ऐसे ऐसे भगवान हो मतलब वो वैसा यहाँ पर है और यहाँ गठबंधन की बहुत सरकारें चली है है ना कितना धोखेबाजी हुआ है पता है चार बड़ा नाम मिल गया एक नई इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गई बच्चों को लाया पैसे लिया उसके बाद गायब ये हुआ है ना ये सर जी मुखर्जी नगर का ये सबसे जो होता है सबसे प्रदूषित बोलते हैं तो कोचिंग नाम पर प्रदूषण है यहाँ पर ये यहां पर ये यहाँ पर स्थिति रहा है और ये रियलिटी है ये सच्चाई है कुछ दो तीन जो अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है छोड़कर बाकी सभी लोगों ने ऐसे काम किया है लेकिन क्या होता है एक विद्यार्थी क्या होता है वो प्रलोभन में आता देखता है और फिर वो जाता है गांव से आया हुआ है ना नए नए बार कदम दिल्ली के शहर में एक सपनों के साथ है <laughs> ना कि आई बनना है ना, मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के आसपास घूमता है वो ठीक है फिर वो बड़े बड़े पोस्टर देखता है चार पांच बड़े बड़े नाम देखता है ठीक है दस लोगों से पूछता है नहीं 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 ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है ठीक है कभी विजन आई है इसको फोटोग्राफ देता है किसी टीचर का कभी देखा है आपने किसी टीचर का नाम दिया हुआ ऐड दिया हुआ या कोई फोटोग्राफ दिया हुआ है नहीं देता है ठीक है और भी जो इंग्लिश मीडियम के जो संस्थान है बाजीराम हो गया श्रीराम हो गया जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कभी नहीं देता है क्योंकि उनको पता है वहां पर फोटोग्राफ कौन यूज़ करता है जिनको बाजार करना है व्यापार करना है बच्चों का अट्ठाट कर एडमिशन लेना है वो लोग फोटोग्राफ और ये सब का प्रयोग करते हैं इसलिए बताए कहीं भी कोई भी कोचिंग स्टूट जहां आपने एडमिशन ले रखा है ठीक है सिलेबस सब पढ़ाता है अब कैसे आपको करना है वो आपके आप अंततः आप ही एग्जाम लिखेंगे ठीक है टीचर तो जाके एग्जाम नहीं देगा वहां पर आपको लिखना पड़ेगा और आपको पास होना है तो इसलिए बताए ज्यादा जगह भटकना नहीं है अभी आजकल बहुत सारा आएगा क्रैश कोर्स थर्टी डेज प्रोग्राम कहो दस टेन डेज प्रोग्राम भी स्टार्ट करेगा ऑनलाइन ऑफलाइन सब स्टार्ट होगा ठीक है तो वहां भटकाव में नहीं जाना है अपना दिमाग को शांत रख के ठीक है अपना पढ़ाई करते जाना है जो लोग दस जगह नहीं भागते हैं है ना खुद पे खुद जानते हैं कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है नौ साल के एग्जाम पेपर क्या है और क्या पढ़ना चाहिए वो अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा एग्जाम क्लियर करते हैं इसलिए मार्च तक में जब भी सिलेबस होता है फिर खुद से पढ़ना है दस जगह नहीं मटेरियल आपको सब मिल जाएगा आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन सब मटेरियल अवेलेबल है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे तैयारी करना है वो आपको पता है फिर आपको अपना स्वयं मेहनत करना है वहां पर ठीक है दस इंस्टीट्यूट की ओर भागना नहीं है कि कहीं यहां कर ले कभी वहां कर ले कभी यहां कर ले उससे कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है और मैं आपको बता रहा हूं कोई इंस्टीट्यूट परफेक्ट नहीं होता है मैं हंड्रेड परसेंट बताता हूं आपको टीचर प्लस माइनस मिलेगा चाहे वो विजन आई हो या कोई इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट भी हो कहीं भी एक जैसा नहीं होता है इसी में हमेशा ये कहता हूँ कि आपको स्वयं अपने लेवल पे करके करना है अगर आपको एक जगह कमी है तो दूसरी जगह पे भी वो कमी मिलेगा ठीक है सब जगह एक जैसा नहीं होता है तो इंस्टीट्यूट का एक बस यही होता है कि जो यहाँ पर यहाँ का जो क्लासरूम इको है ये भी एको सिस्टम ही है उसका आप अपने लेवल पे कैसे उपयोग में लाते हैं और तैयारी को अपना सही करते हैं वही चीज वहां पर है ठीक है इसलिए नेगेटिव चीजों को नहीं आने देना है सबसे मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को अपने दिमाग में नहीं लाना है नेगेटिव चीजें वो हानिकारक है और मैं बताया हर जगह आपको प्लस माइनस मिलेगा सभी टीचर अच्छे नहीं होते है ना आपको कहीं भी अच्छे टीचर मिले कहीं पर ख़राब टीचर भी मिलेगा चाहे वो विजन आई हो कहीं भी, भी हो तो वो प्लस माइनस होता रहता है आपको देखना है कि चलो ठीक है मेरा यहाँ पर हो रहा है अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट मेरा क्या अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए और फिर उस पर काम करना ठीक है तो अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं दो टॉपिक है पहला मैं समझाऊंगा ठीक है फिर मैं लिखाऊंगा आपको तो पहले समझना है सारी चीजों को समझना है अभी बिल्कुल नहीं लिखना है पहले समझना है उसके बाद मैं प्रोजेक्टर बंद करूंगा उसके बाद फिर मैं व्हाइट बोर्ड में आने वाला हूँ तो पहले चीजों को समझना है तो हम लोग प्रजाति संदर्भ में कुछ पद या शब्दों के बारे में पढ़ेंगे उसके जो जो भी संकल्पना है उसके बारे में बताऊंगा तो पहला मैं समझा देता हूँ फिर हम लोग एक एक करके सारी चीजों पर हम लोग आते तो यहाँ पर ये सारे शब्द होगा की स्टोन प्रजाति संस्थापक प्रजाति सांकेतिक प्रजाति अभी कुछ नहीं लिखना है मैं सब में लिखवाऊंगा मैं। अमरेला प्रजाति है प्रमुख प्रजाति आक्रामक प्रजाति देख प्रजाति है और संकट प्रजाति ये आठ शब्द है सबसे पहला की स्टोन प्रजाति की स्टोन जो होता है एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि किसी भी मीनार के मध्य में होता है अगर वो पत्थर ना हो तो वो मीनार या आर्क जो है नहीं होगा स्थिर नहीं रह सकता इसे हम कहते हैं कीस्टोन यानी कि कीस्टोन प्रजाति ऐसे प्रजाति होते हैं जो एक पारितंत्र में पूरे पारितंत्र को बनाए रखता है अपनी कारी के द्वारा है ना अगर वह प्रजाति नहीं हो तो पारितंत्र नहीं होगा इसका मतलब होता है कीस्टोन का जैसे बाघ बाघ एक प्रभक्षी है जिसका काम प्रभक्षण करना होता है अगर किसी भी वन में बाघ की कमी हो जाए तो वहां पर जो शाकाहारी जो होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी और शाकाहारियों की संख्या बढ़ने के कारण जो वनस्पति होगा वो कम हो जाएगा यानी कि उस पारितंत्र में विपरीत प्रभाव पड़ेगा ठीक है बाघ जो है अपने पारितंत्र को बदलता है हाथी हाथी जो है प्रवासी कर प्रवासी प्रजाति है प्रवास करता है और एक इतना बड़ा जानवर है प्राणी है जिसको टन जो है हजार किलोग्राम में भोजन और पानी चाहिए इसलिए प्रकृति ने हाथी को क्या दिया है प्रवास करने का दिया है कि वो एक जगह पर नहीं टिकता है हाथियों का झुंड एक जगह दूसरी जगह पे जाता रहता है यानी उसका रेंज होता है और वापस जो हाथी का झुंड होता है पुनः उसी जगह पे लौटता है हजारों किलोमीटर के जो चक्कर काटने में फिर वापस आता है तो हाथी क्या करता है अपने पारितंत्र को बदलता है मॉडिफाई करता है जिससे अन्य जीवों को रहने में सहायता मिलती है इनको कहते हैं की प्रजाति एक और मैं उदाहरण देता हूँ ये उदाहरण है दो हजार ग्यारह के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दिया हुआ था एक प्रकार के समुद्र में पाया जाने वाला परभक्शी जीव होता है स्टार फिश बोलते हैं स्टार मछली होता है ठीक है ये शिकार करता है सी मसल जो आप यहां देख रही ये, ये स्टार फिश है ना अगर स्टार फिश नहीं होगा जैसे बाघ होता है बाघ का जो काम होता है परभक्शी का काम होता है तो वो जो छोटे जीवों को संख्या को कंट्रोल नहीं कर पाएगा संख्या अधिक हो जाएगी और संख्या अधिक होगी तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा पारतंत्र में ये उदाहरण के साथ 2011 का पहला का पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में की स्टोन प्रजाति के बारे में पूछा गया था की स्टोन प्रजाति इसका संकल्पना है फिर यहां पर मैं इस पे बारे में बताता हूँ डुगोंग इसे समुद्री गाय बोलते हैं मन्नार की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के कच्छ में भारत में डुगोंग पाया जाता है समुद्री गाय कहा जाता है इनका रहने का जो निवास स्थल होता है समुद्री घास का मैदान होता है समुद्री घास को खाता है सी ग्रास बोलते हैं अगर डुगोंग नहीं हो तो वह जो पारितंत्र है जहाँ पर कछुए या कई प्रकार के मछलियों का रहने का स्थान होता है उनकी संख्या भी कम हो जाती है यानी डुगोंग क्या कर रहा है डुगोंग एक तरह से उस पारितंत्र को बदल रहा है अपने कार्य के अनुसार से क्या है वह क्या किस प्रकार जीव है शाकाहारी है है ना शाकाहारी जीव है जबकि बाघ के मांसाहारी है, मांसा है। अपने कार्य के द्वारा अपना पारितंत्र को बदलता है वो जिससे अन्य जीवों को रहने का स्थान मिलता है ठीक है जिसको किस्तोन प्रजाति कहा जाता है अब यहां पर है फाउंडेशन संस्थापक बोलते हैं फाउंडेशन काम क्या होता है किसी भी नए पारितंत्र को बनाने में इसकी स्थापना में अपना योगदान देता है जैसे लाइकेन लाइकेन जो होता है कहीं भी पारिस्थितिक अनुक्रमण में सबसे पहले लाइकेन आता है लाइकन के बाद घास का मैदान फिर छोटे पौधे होते फिर जाके अंत में सैकड़ों वर्षों के बाद वन आ जाता है प्रवाल, प्रवाल क्या समुद्री जीव होता है है ना? क्या समुद्री जीव होता है मैं देखता हूँ अगर ज्योग्राफी में पढ़ा है ना आप लोग तो कुछ तो आइडिया है ही आप लोगों को पूरा नहीं होगा कुछ तो पता होगा पढ़ा है वहां है ना प्रवाल प्रवाल कैसे संस्थापक है फाउंडेशन कैसे बोलेंगे प्रवाल को पूरा क्लास अभी सब जो ऑनलाइन जो है उनको दिख रहा होगा ये है प्रवाल कोरल ये है प्रवाल है ये कोरल है ठीक है अब ये जो कोरल है अब इसमें मछलियां भी है ठीक है ये कोरल यहां पर है अब मैं इसको और करीब ले जा रहा हूं देखने में पौधे जैसा दिखता है ठीक है ये देखने में पौधे जैसा होता है लेकिन पौधा नहीं है ना ये पौधा नहीं है ठीक है अब इसका एक जो पार्ट है ये है इसको कोरल पॉलिप बोलते हैं ये जो भूरे रंग का आप जो देख जो पारदर्शी है पारदर्शी है मतलब उसका अपना रंग नहीं होता है है ना? ये जो यहाँ पर ऊपर में जो अभी लटक रहा है ये पॉलिप कहते हैं ये प्रवाल जो है कोरल ऐसे हजारों हजारों की संख्या में पॉलिप से बना होता है ये एक पॉलिप है अब इस पॉलिप के अंदर ये हरे रंग का जो है शिवाल है जो कल मैंने बताया था कि शिवाल और प्रवाल के बीच में सजीविता होती है ठीक है इसी शिवाल के कारण उसका रंग होता है नीला रंग या हरा रंग जो भी रंग है उसी कारण होता है और तमाम जितने भी प्रजाति होते हैं उनका रहने का होता है और यह होता है विरंजन प्रवाल विरंजन अगर शिवाल खत्म हो जाए तो प्रवाल जो है प्रवाल भित्ति इस तरह का दिखेगा रंगहीन हो जाएगा विरंजित हो जाता है अब ये जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को ठीक है ये जो ये पूरा भाग है इसका इसके पूरे अब कई बार क्या होता है विभाजित होकर नए स्थान पे जाता है और नए जगह पे फिर जैसे पेड़ पौधे उगते हैं वैसे प्रवाल भी होता है फिर से तो मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे ये चीज़ प्रवाल है कई बार सागर के धाराओं के बार है ना या कोई भी जो तरंगे होती हैं तो ये विखंडित हो जाता है विखंडित होकर नए जगह पे जाएगा और फिर नए जगह पे फिर ये अपना गुणन करता है पौधा करता है, और फिर वो वहां पर अपना कॉलोनी बनाता है और फिर नया प्रवाल भित्ति बन जाता है तो संस्थापक का मतलब यही है कि प्रवाल अगर नहीं होगा तो प्रवाल भित्ती नहीं होगा रीफ जो होता है रीफ चुने पत्थर का बना होता है लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि प्रवाल के द्वारा होता है कोरल के द्वारा होता है तो कोरल जो है कोरल के द्वारा बनता है इसीलिए प्रवाल भित्ती या कोरल रीफ को महासागर का वर्षा बन कहा जाता है पारितंत्र को बनाने में सहायक होता है अगर जहां समुद्री इलाकों में या जब समुद्री स्थान पे सागरी पारितंत्र में अगर वहां पर कोरल या प्रवाल नहीं होगा तो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ नहीं होगा इसको कहते हैं फाउंडेशन ठीक है अभी मैंने क्या किया अभी मैंने क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक का उपयोग किया इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी ए आर ए आर क्या होता है ए आर यही चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ जो हम अपने वास्तविक जीवन में देख रहे होते हैं उसमें किसी तरह का एनिमेशन वीडियो ग्राफिक सुपर इम्पोज किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से लैप या लैपटॉप या मोबाइल ऐप के द्वारा और एक टेक्नोलॉजी होता है वी आर बोलते हैं आभासी ज्ञान वर्चुअल रियलिटी बोला जाता है जहाँ पर हेड मास्क होता है और व्यक्ति उस दुनिया में चला जाता है वो अनुभव होता है दूसरी दुनिया का तो अभी जो है आप इसी दुनिया में लेकिन आपको मैंने जो आभास कराया है प्रवाल भित्ति का कराया है तो ना इसको ऑगमेंट किया है ठीक है क्लियर है कि कोरल रीप क्या है और संस्थापक क्यों कहते हैं इसको ठीक है तो इसको यहां पर तो मैं वापस में अभी स्लाइड पे जा रहा हूं तो प्रवाल भित्ती जो है एक तरह का किसी भी नए स्थान को बनाता है फिर इसके बाद आता है सांकेतक प्रजाति प्रकृति में या पारितंत्र में ऐसे कई भी संकेतक प्रजाति है सांकेतिक प्रजाति क्या करता है अपने पर्यावरण में या पारितंत्र में होने वाले बदलाव को दर्शाता है अगर कुछ प्रदूषण हो रहा है तो हमें जानकारी देता है कि प्रदूषण हो रहा है अब जैसे कि प्रवाल विरंजन हमें यह बताता है कि सागर का जल का तापमान बढ़ रहा है यानी कि वैश्विक तापन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सागर के जल जो है अम्लीकरण हो रहा है कहते हैं महासागरी अमलीकरण बोलते हैं।, ओशियन एसिडिफिकेशन हैं अगर किसी स्थान पे प्रवाल में अगर प्रवालों का विरंजन हो जाए तो ये हमें संकेत देता है, हो रहा है। संकेत देता है इंडिकेट करता है ठीक है या दूसरे शब्दों में पूर्व चेतावनी प्रणाली का, का काम करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम का, का काम करता है अब इसमें एक एग्जाम्पल बताए लाइकेन लाइकन जहां स्वच्छ वायु होता है वहीं पर होता है लाइकन आपको शहरों में नहीं मिलेगा दिल्ली महानगर में या मुंबई या हैदराबाद या बैंगलोर कहीं जाएंगे वहां आपको लाइकन नहीं दिखेगा क्योंकि वायु प्रदूषण में क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है और लाइकन जो है सल्फर के प्रति बहुत संवेदनशील होता है जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा लाइकन अदृश्य हो जाएगा अगर लाइकन नहीं होना मतलब उस जगह वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है संकेत देता है इंडिकेट करता है ठीक है फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये चीज है जो मैंने बताया इस तरह का लाइकन होता है कल कहीं पकाया तो लाइकन क्या होता है ये आपको वनों में मिलेगा वनी क्षेत्र या जब हम गांव ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं जहां वायु साफ होता है बिना प्रदूषण का होता है वहीं आपको लाइकन मिलेगा चट्टानों पे या पेड़ों पे उत्तराखंड हिमाचल जब आप नैनीताल भीमताल पहाड़ों में जाएंगे वहां पर वहां आपको लाइकन दिखेगा क्योंकि वायु प्रदूषण के वो जहां भी होता है वहां लाइकन जीवित नहीं रहता है ये लाइकन यहां पर है ठीक है तो ये चीज है फिर यहां पर अम्ब्रेला प्रजाति अम्ब्रेला जैसे हाथी का उदाहरण है अम्ब्रेला का मतलब होता है कि ऐसे प्रजाति जो कि जिनका आवास जो होता है बहुत बड़ा होता है छोटा नहीं होता बड़ा होता है यदि हम अम्ब्रेला प्रजाति का संरक्षण करें तो ना केवल उस प्रजाति का संरक्षण होता है बल्कि उस आवास में रहने वाले अन्य जो प्रजाति है उनका भी संरक्षण होता है अमरेला का मतलब क्या होता है कवर करना अगर हमने हाथी को संरक्षित कर दिया तो जहां भी हाथी रिजर्व है तो वहां अन्य जो भी छोटे जीव होंगे जो प्रजाति होगा उनका भी संरक्षण हो रहा है तो इसको कहते हैं अमरेला स्पीसीज कहा जाता है अमरेला प्रजाति कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट जो यहां पर है ये सभी एग्जाम्पल है बाघ भी है बाघ का भी बहुत बड़ा स्थान होता है छोटी जगह पे नहीं होता है वन में ध्रुवी भालू जो है पांडा जो होता है जो कि चीन में पाए जाने पांडा जो है तो पांडा वगैरह भी जो है अमरेला प्रजाति है जो वेल मछली होती है वेल मछली नहीं है संधारी है तो वेल डॉल्फिन ये दोनों मैमल है संधारी है ठीक है थी। इनका भी प्रवास बहुत बड़े क्षेत्र में होता है ये जितना भी है गोरिल्ला या जितना हाथी समुद्री टर्टल जो है ये सभी के सभी के अमरेला प्रजाति है यूपीएससी परीक्षा में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उदाहरण कुछ भी हो सकता है कल भी मैंने क्लास में बताया था कि जब भी आप जैविक अंतरक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो यूपीएससी कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है किताबों के बाहर का एग्जाम्पल दे सकता है आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है अभिप्राय क्या है अम्बरेला का मतलब क्या होता है ठीक है अब यहां पर जैसे प्रमुख प्रजाति पांडव क्या मतलब है प्रमुख प्रजाति का ऐसे प्रजाति जिसका संरक्षण आवश्यक होता है और विभिन्न सरकारों के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ऐसे प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है जैसे यहाँ पांडा हो गया उसी तरह बाघ है टाइगर जो है फ्लैगशिप है है ना वापस हम संरक्षण यानी कि उसके लिए प्रायोरिटी हमने दे रखा है कि उनका हमें संरक्षण करना है इसलिए भारत में बाघ परियोजना वर्ष उन्नीस में शुरुआत की गई थी ठीक है तो वहां पर फिर यहां था आक्रामक प्रजाति ये आपने देखा होगा कई जगह पे लेंटरना बोलते हैं आपको कई जगह भारत में पूरा फैल चुका है ये आज से 200 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा इसको दक्षिण अमेरिका से भारत में लाया गया लेकिन आज पूरे भारत वर्ष में ये फैल चुका है इसको आक्रामक बोलते आक्रामक प्रजाति कहा जाता है हाँ तो नेटिव जो क्या है ये इस राष्ट्र का नहीं है भारत में भी भारत का हो गया लेकिन बाहर से लाया गया अब लेकिन अब ये भारत में पूरा फैल चुका है इसे किसको क्षति हो रहा है कृषि को नुकसान पहुंच रहा है फिर मैं और एग्जांपल देता हूँ ये सारे एग्जांपल है मैना खेतों में अब जो जाते मैना वगैरह जो होता है है ना जो कीटो को खाता है या धान वगैरह जो है कबूतर गोरैया की संख्या कम हो रही है ठीक है गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऐसे कई ऐसे पक्षी प्रजाति जो उनका संख्या कम हो रहा है लेकिन कबूतर की संख्या कम नहीं हो रही है अधिक ही हो रहा है ठीक है मैना जो ये सब आक्रामक हो चुका है वर्ड बोला जाता है और यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2018 में जुली फ्लोरा के बारे में पूछा गया फिर यहां पर क्या है वो जो मछली के दो प्रकार हैं ऊपर जो मछली है उसको तिलापिया बोलते हैं उसके नीचे जो है गोल्ड फिश कई बार एक्वेरियम वगैरह में होता है गोल्ड फिश आक्रामक है वो अन्य मछलियों को नुकसान पहुंचाता है जैसे रेहू कटला उनको नुकसान होता है फिर यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हैं घरों में आपने देखा है दीवारों पे होता है छिपकली जो होता है इसको गेक्ो बोलते हैं गेक्ो हाउस गेको है ना अब ये सब जगह आपको मिलेगा छोटे जो छिपकली जो दीवारों पे होता है कई बार जमीन पे भी चलता है वो, ठीक है फिर ये है घेंगा है, जाइंट स्नेल बोलते हैं अफ्रीकन जायट स्नेल पत्तों को पत्तों या जो भी जो होता है महाराष्ट्र और गोवा में ये आज संकट का कारण बन चुका है ठीक है तो ऐसे कई उदाहरण पहले मैं आपको कई सारे उदाहरण जब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं न्यूज में पढ़ते हैं ऐसे कई उदाहरण आता है अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं जो लास्ट ईयर दो में क्वेश्चन आया हुआ है दो साल पहले जुली फ्लोरा के बारे में पूछा गया था प्रोसोपिस का था इस तरह का होता है आपको राजस्थान गुजरात कई राज्यों में तमिलनाडु में और ये तेजी से फैलता है इसका प्रसार बहुत फास्ट होता है इसको भारत में लाया गया था लकड़ी के लिए जो कई बार होता है ईंधन ईंधन के लिए घरों में गांव के इलाके में चूल्हा के लिए लकड़ी चाहिए लेकिन आज ये इतना फैल चुका है कि पानी जो है जो जल वगैरा वो खत्म कर देता है मैं आपको जली पारितंत्र का उदाहरण देता हूँ जलकुंभी वाटर हैसिंथ पूरा तेज जो फैलता है वो है ना आक्रामक है वो एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने भी, आ, मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि अमेरिका में आक्रामक हो चुका है बर्मिस पाइथन ये अजगर जो है म्यांमार से जो है लाया गया अरिजोना में फ्लोरिडा और अरिजोना में लाया गया और आज ये बीस वर्षों के बाद आक्रामक हो चुका है यहां पर ये आर्टिकल बीबीसी में आया हुआ था इसमें एक भारतीय समुदाय है जनजाति है, है। इरुला जनजाति बोलते हैं पश्चिमी घाट में इरुला जनजाति है जिनको सांप पकड़ने पकड़ना आता है तो यहां पर ये यह जो आर्टिकल है दो यहां पर जो है दो यहाँ पर इरुला जनजाति का दो सदस्य है जो आज फ्लोरिडा में जाके अजगर को पकड़ रहा है बर्मिज पाइथन को पकड़ रहा है ये आर्टिकल आया हुआ ठीक है अब यहाँ पर दिया हुआ है साफ यहाँ टू इंडियन ट्राइब मैन है ना फ्लोरिडा लिखा हुआ है इसका नाम भी दिया मासी सादियान और वैदिवल गोपाल जो लिखा है वंस नोमारी इरुला ट्राइब हाँ, इनको सांप पकड़ना आता है हाँ इनका हुनर है वो इनका प्राकृतिक हुनर है बचपन से उनको ट्रेन किया जाता है सांप पकड़ने के लिए तो उनको आइडिया आया कि कैसे इसको रोका जाइए इस अजगर को तो उनको आइडिया है कि चलो इरोला जो आदिवासी जनजाति है तो वहां के लोगों को उठा के ले आ जाए वो अजगर पकड़ेंगे अब पकड़ रहे हैं यही पकड़ना काम हो गया 2005 में यहाँ पर ये यह दिया हुआ कि ये जो बर्मीज पाइथन था है ना वहां पर जो मगरमच्छ को भी निकल सात आठ फीट का जो अजगर होगा तो यहाँ पर दिया हुआ पार्क में तो आज ये एक समस्या अमेरिका के संदर्भ में है कहने का मेरा मतलब है आक्रामक प्रजाति केवल भारत का ही समस्या नहीं है पूरे विश्व भर में समस्या बन चुका है ठीक है तो ये पता होना चाहिए आक्रामक का मतलब क्या होता है ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल मैंने दिया है आक्रामक के बारे में ये पता होना चाहिए अब भारत में ये सारे आक्रामक हाँ? हाँ? वो भी है बिल्कुल 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 बहुत सारे है वहां पर और ये सब क्या है उनकी संख्या अधिक होती है टिड्डी वगैरह जो उसके जो है संख्या अधिक होती है इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं जब आप अखबार पढ़ते हैं करंट अफेयर्स वहां देखना है कि क्या क्या उसके ठीक है फिर यहां पर चीज़ मानव, मानव को नहीं रखा जाता अन्य प्रजातियों को रखा जाता है मनुष्य जो है जबकि मनुष्य भी आज पूरे विश्व फैला हुआ है तो वहां उस संदर्भ में नहीं आता है ठीक है स्थानिक जो है स्थानिक प्रजा, प्रजाति या देशज, एंडेमिक कहा जाता है ये ऐसे प्रजाति होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पे, ही पे तो पर हीचियाना है, बोलते हैं जिससे एक कैंसर को खत्म करने वाले ओवरियन कैंसर जो बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए उपचार के लिए दवा होता है टेक्सॉल बोला जाता है टेक्सॉल मिलता है ठीक है रेड सेंडर रक्त चंदन केवल पूर्वी घाट में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में यह विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसका जो लकड़ी होता है लाल चंदन या रक्त चंदन बोला जाता है रेड सेंडर बोला जाता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मूल्य है डिमांड मांग बहुत ज्यादा है तो इसका क्या होता है अवैध व्यापार होता है जंगल में जाकर कटा कटाई की जाती है और वो चीन में जो चीन वगैरह जो राष्ट्र है वहां डिमांड ज्यादा है वहां बेचा जाता है तस्करी की जाती है क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में लाल तो यहाँ पे मैंने क्यों उदाहरण दिया कि ये सभी जगह नहीं पाए जाते है। कुछ खास भौगोलिक स्थान है वहीं पर ही पाया जाता है एंडेमिक जो है।, है स्थानिक कहा जाता है वहां पर इसका यूज बहुत है फर्नीचर बनने में होता है इसका जो डाई होता है रंग होता है वहां लाल रंग का दवाओं पर यूज होता है है ना इसलिए इसका डिमांड है मांग है वहां पर तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया क्यों है अवैध व्यापार या तस्करी जो होता है नलामाला पर्वत है है ना एक जगह है आंध्र प्रदेश में जहां पर वो वन है वहां पर ये रेड सैंडल रक्त चंदन पाया जाता है और भी मैं स्थानीय प्रजाति का उदाहरण देता हूं मैं अब जैसे ये चाहिए हिमालय तहार तहार जो है एक तरह का बकरी या बकरे जैसा होता है माउंटेन गॉड बोलते हैं हिमालय क्षेत्र में ये तहार पाया जाता है संकट प्रजाति है लेकिन केवल कहा है हिमालय राज्यों में होगा अन्य राज्यों में नहीं होता है फिर उसी तरह के प्रकार एक और तहार आता है नीलगिरी तहार बोलते हैं जो कि नीलगिरी की पर्वत जो पहाड़ है है ना ब्लू माउंटेन कहा जाता है कहां पर है पश्चिमी घाट में केवल वहीं पाया जाता है अब मैं आपसे इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछता हूं इंडियन ज्योग्राफी हो गया नहीं हुआ अच्छा ठीक है कितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है अच्छा ठीक है पश्चिमी घाट में नीलगिरी में एक विशेष प्रकार का वन है जहां घास घास का मैदान होता है और वृक्ष होता है इस प्रकार के वन को क्या कहते हैं गुड वेरी गुड शोला फॉरेस्ट होता है और शोला फॉरेस्ट में जहां घास का मैदान होता है तो वहां पर ऐसे जो शाकाहारी होते हैं तहार जो है बकरे जैसा होता है उनका भोजन होता है एक जगह है केरल में मुन्नार बोलते हैं मुन्नार मुन्नार हो गया मुन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और मुन्नार जो भाग है नीलगिरी का पार्ट आता है वहां पर ये तहार पाया जाता है और ये कहीं नहीं है पूरे विश्व में कहीं नहीं है केवल और केवल भारत में और केवल और केवल नीलगिरी में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते है। कहते हैं स्थानिक एंडेमिक ठीक है फिर यहां पर यह चीज है लर्निंग कंटिन्यूस तो मैं कंटिन्यू करूंगा मैं ठीक है तो अब मैं बंद कर रहा हूं अब जितने भी चीजों को मैंने समझाया है अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे सबसे पहला काम ये करना है अपने नोट कॉपी में हॉर्जेंटल करना है हॉर्जेंटल पूरा पेज को ओरिजिंटल करना है मैं सभी चीज को यहां फ्लोचार्ट में रख रहा हूं मैं पॉइंट और उदाहरण के साथ में और उसको कॉपी करना है ठीक है तो यहां पर इस तरह से है लाइट ऑन कर दीजिए आप इसका हेडिंग बस ये सिंपल कॉपी करना है स्पीसी अलग अलग प्रकार की जो प्रजाति है उसके बारे में वहां पर है अब इसमें दो और ऐड करना है जो मेरे बताया एक है आक्रामक तो प्रजाति संदर्भ में ये आठ शब्द है ठीक है तो पहला ये फ्लो चार्ट कर मैं समय देता हूं। ये मैं देता पूरा संस्थापक फाउंडेशन संकेत इंडिकेटर संकट प्रजातिन स्पेस प्रमुख प्रजाति फ्लैगशिप क्षत्रिय अम्ब्रेला प्रजाति अम्ब्रेला स्पेसिस स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पेसिस आक्रामक प्रजाति इन स्पेसिस नहीं पढ़ देता हूँ मैं तो इस साइड से हो सकता ना दिखे वो लाइट की वजह से तो की स्टोन प्रजाति संस्थापक प्रजाति सांकेतक संकटग्रस्त प्रजाति प्रमुख प्रजाति छत्री या अमरेला प्रजाति स्थानिक प्रजाति आक्रामक प्रजाति ये आठ हाँ शब्द है जो मैंने समझाया अभी सारे पॉइंट्स को मैं रखूंगा मैं इससे क्या होगा जब भी आप क्लास को नोट्स रिवाइज करेंगे आप तो आपको एक नजर में पता चल जाएगा ये सारे आठ शब्द संदर्भ में कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे ठीक है और यही चीज को फिर करंट अफेयर के साथ जोड़ना है जो भी करंट अफेयर मैगजीन है जो भी चीज है वहां पर इसके बारे में जानकारी होगा उसको जोड़ के पढ़ना है कनेक्ट करना है भी सब में समझाऊंगा मैं दिखाऊंगा मैं मैं सारी चीजें अभी आपके नोट्स में आएगा और यहां से क्वेश्चन आ सकता है की स्टोन प्रजाति पे अभी तक सवाल प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आया हुआ है आक्रामक में मैंने एग्जाम्पल दिया दो हजार अठारह में जुली फ्लोरा पे क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट सवाल आया हुआ है अम्बरेला पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो कहीं भी हो सकता है कि यूपीएससी परीक्षा में इससे संदर्भ में क्वेश्चन आ सकता है और अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम लेंगे तो वहां पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में यहां पर क्वेश्चन होता है की स्टोन के बारे में सांकेतक के बारे में वहां क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फर्स्ट मैंने नाम बता दिया कितने प्रकार के प्रजाति है उस संदर्भ में क्या क्या नाम आता है अब हम लोग उसके विस्तार में जाएंगे सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे ठीक है तो सबसे पहला सबका ड्रॉ हो चुका है इसलिए बताया हॉरिजेंटल पेज करना है ताकि जब भी आप रिवाइज करेंगे मैं समझ दे रहा हूँ आप और आप मैंने आपको बताया भी था कि वो तो डिपेंड करता है कि क्लास नोट्स कैसे तैयार करें कई लोग होते हैं कलर्ड पेन भी यूज करते हैं तो आप जैसा भी आपको हो ताकि आपका नोट्स एक तरह का हो रिविजन के लिए हो जाए अगर ठीक है और मैंने क्या बताया विज़न आई का जो प्रिंटेड मटेरियल दिया है वहां भी दिया होगा तो वहां जाके आप उसको पढ़ सकते हैं क्लास के बाद में एक बार आपने उठाया वो मटेरियल वहां देख लिया अच्छा वहां पे क्या दिया हुआ है और एक बार रीडिंग करके फिर जो भी आपको नोट डाउन करना है अपने नोट कॉपी में अपने नोट डाउन कर लिया ताकि आपको प्रिंटेड मटेरियल का लास्ट मोमेंट में जरूरत ना पड़े आपका जो क्लास नोट है वही काम कर जाए ठीक है तो इस तरह से आपको हमेशा अप्रोच रखना है और मैं हमेशा क्या करता हूँ तो जो भी चीज़ें पढ़ना है करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना है न्यूज़ के साथ जोड़ना है ठीक है तो पहला हो गया ये आठ शब्द है। अब हम लोग एक एक करके हर प्रजाति पे हम लोग आएंगे तो सबसे पहला की स्टोन प्रजाति तो आप इसके नीचे जो है मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं मैं इसको बोर्ड पे ही रख रहा हूं तो पहला आप इसको हेडिंग आप दीजिए की स्टोन प्रजाति और आपको अपने नोट्स में इस तरह के पॉइंट्स लिखना है या आप या तो आप एरो यूज कीजिए या नंबर वन टू थ्री करना है वो आपके ऊपर है मैं डिटेल करता चला जाऊंगा वो आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से पॉइंट किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं है ना ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो तो आपको पता हो कि इसका मेन ये चीज है ठीक है तो तो सबसे पहले मैं मैं ये रख रहा जो लोग अभी भी 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 लिख रहे हैं तो कभी भी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं जब भी समय मिले फिर आप कॉपी कर सकते हैं तो पहला लिखना है नंबर वन की स्टोन प्रजाति इसका पॉइंट नंबर वन लिखना है जैसे मैंने एरो दे रखा है आप लिखिए ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो ऐसे प्रजाति जो अपने कार्य जो अपने कार्य के द्वारा जो अपने कार्य के द्वारा जो अपने कार्य के द्वारा पारितंत्र जो अपने कार्य के द्वारा पारितंत्र को बनाए रखता है जो अपने कार्य के द्वारा पारितंत्र को बनाए रखता है ठीक है मैं रिपीट करता हूं ऐसे प्रजाति जो अपने कार्य के अनुसार पारितंत्र को बनाए रखता है अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या उदाहरण दिया हुआ है तो बाघ भी की स्टोन है हाथी भी की स्टोन आएगा एक सिंगी गेंडा जो है वन राइनो वो भी की स्टोन आता है बहुत एग्जाम्पल हो सकता है पहला काम क्या है उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है अब दूसरा पॉइंट नंबर टू सेकेंड पॉइंट लिखना है देखिए अब इन प्रजातियों की संख्या कम होती है इन प्रजातियों की संख्या कम होती है इन प्रजातियों की संख्या कम होती है लेकिन 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 पारितंत्र पर लेकिन पारितंत्र पर प्रभाव लेकिन पारितंत्र पर प्रभाव अधिक अधिक होता है लेकिन पारितंत्र पर प्रभाव अधिक होता है तो दूसरा क्या कंसेप्ट है उनकी संख्या कम होती है संख्या अधिक नहीं होगी लेकिन जो उसका कार्य होता है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है पर्यटन से पड़ता है तो इससे आपको पहचान करने में आसानी होगा कि कौन सा ऐसा उदाहरण या प्रजाति की स्टोन कहलाएगा है ना उनकी संख्या अधिक नहीं होती कम होती है अब जैसे बाघ है बाघ की संख्या ज्यादा नहीं होगी हाथियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी मधुमक्खी अगर मैं एग्जाम्पल मधुमक्खी तो मधुमक्खी भी की स्टोन होगा है ना हनी भी वगैरह अगर मधुमक्खी नहीं होगा तो प्रागण नहीं होगा मैं आपको एक वृक्ष का उदाहरण देता हूं बरगद बरगद का जो वृक्ष होता है की स्टोन प्रजाति में आता है क्योंकि बरगद अपने जिस जगह बरगद होता है कई पक्षियों का रहने का स्थान होता है ठीक है फिकस बोलते हैं एफ आई सी एस फीकस बंगाल वहां पर जो फाइकस जो वर्ड होता है और भोजन मिलता है कई प्रजातियों को भोजन मिलता है तो आपको क्या करना है उदाहरण देना है मैं कुछ अच्छे उदाहरण देता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उदाहरण दीजिए आप उदाहरण में आप लिखिए डिगोन्ग मैं स्पेलिंग देता हूं ऐसा उदाहरण लिखना ब्रैके है ब्रैकेट लिखना है समुद्री गाय सी कहते हैं इसको जो मैंने फोटोग्राफ दिखाया था डिगोग क्या है उसका वैज्ञानिक नाम है डिगोंग डुगोंग कह रहे ठीक है लेकिन उसका दूसरे शब्द था वहां पर है अब इसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट जो है कॉमा दीजिए कैल्प वन क्या होता है कैल्प वन महासागर में एक तरह का भूरा एल्गी होता है शिवाल होता है मैं लिख देता तो हूं यहां पर एक तरह से ये भूरे रंग का शिवाल होता है जो कि सागरी सेवाल होता है और वो वन जैसा दिखता है जैसे पौधे होते वैसा दिखता है कैल्प वन एक तरह का जो है की स्टोन में आता है फिर मैंने ये बताया स्टार जो स्टार मछली जो है स्टार फिश की स्टोन है फिर मैंने बरगद बरगद का जो वृक्ष है वो की स्टोन में आता है ठीक है बाघ मैंने एग्जाम्पल दिया बाघ हाथी ये सारे की स्टोन के एग्जाम्पल आते हैं यूपीएससी चाहे तो आपसे कैल्प वन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये अभी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहे हैं रहा ऐसे एग्जाम्पल आपको बताया होना चाहिए तो क्या इसका दो कंसेप्ट है संख्या कम होता है प्रभाव ज्यादा होता है और अपने पारितंत्र को बनाए रखता है ऐसे प्रजातियों को की स्टोन कहा जाता है क्लियर इसलिए मैं बार बार क्या कहता हूँ क्लास में सीखने का प्रयास करना है क्लास में चीजों को नहीं सीखेंगे तो बाद में किताब खोल के पढ़ेंगे तो फिर समझने में दिक्कत आएगी ऐसी प्रजाति जो अपने कार्य के अनुसार पूरे पारितंत्र को पूरा संतुलित रखता है वो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल को बनाए रखता है अगर वो प्रजाति नहीं होगा तो उसका सीधा विपरीत प्रभाव पड़ेगा उनको की स्टोन कहा जाता है ठीक है, है क्लियर है अब मैं दूसरे वर्ड पर संस्थापक अब आपको नंबर टू देना है ऐसा संस्थापक प्रजाति फिर इसके अंदर जो है पॉइंट नंबर वन आप लिख लीजिए संस्थापक प्रजाति इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ऐसे प्रजाति संस्थापक प्रजाति लिखिए आप टाइटल दीजिए आप फिर डैश देके या जो भी इसके बारे में पॉइंट वाइज आप लिखना चाहते हैं पॉइंट आप दे दीजिए आप ऐसे ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो नए पारितंत्र ऐसे प्रजाति जो नए पारितंत्र को बनाने में नए पारितंत्र को बनाने में सहायक होता है ऐसी प्रजाति जो नए पारितंत्र बनाने में सहायक होता है यही ना बिल्ड करता है वो फाउंडेशन है वो ठीक है दूसरा पॉइंट अब सेकंड पॉइंट लिखना है इन प्रजातियों की संख्या इन प्रजातियों की संख्या अधिक होती है इन प्रजातियों की संख्या अधिक होती है अधिक होती है तो अगर मैं आपसे अंतर मैं कि स्टोन प्रजाति और संस्थापक प्रजाति में क्या अंतर है तो संस्थापक वो नए बनाता है की स्टोन की संख्या कम होती है संस्थापक के अधिक होती है ठीक है उदाहरण दीजिए आप उदाहरण उदाहरण समुद्री प्रवाल समुद्री प्रवाल समुद्री प्रवाल ब्रैकेट में कोरल है ना समुद्री प्रवाल ब्रैकेट में कोरल लिखना है ब्रैकेट बंद करना के द्वारा के द्वारा प्रवाल भित्ति समुद्री प्रवाल ब्रैकेट कोरल के द्वारा द्वारा ब्रैकेट ब्रैकेट बंद के प्रवाल भित्ति फिर कोरल रीफ अंग्रेजी वर्ड लेके कोरल रीफ प्रवाल भित्ति ब्रैकेट कोरल रीफ ब्रैकेट बंद करना है का निर्माण होता है का निर्माण निर्माण होता है समुद्री प्रवाल के द्वारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है वो बनाता है वो, स्थापना करता है वो ठीक है अब मैं तीसरे में आ रहा हूं तीसरा बड़ा लिखना है प्रजाति, इंडिकेटर स्पेसिस अब इसमें दो पॉइंट लिखना है पॉइंट नंबर वन पहला पॉइंट लिखना है ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो, जो अपने ऐसे प्रजाति जो अपने पारितंत्र में ऐसे प्रजाति जो अपने पारितंत्र में होने वाले पारितंत्र में होने वाले बदलाव होने वाले बदलाव को दर्शाता है होने वाले बदलाव को दर्शाता है ऐसे प्रजाति जो अपने पारितंत्र में होने वाले बदलाव चाहे बदलाव सकारात्मक हो या नकारात्मक हो को दर्शाता है उसको कहते हैं सांकेतक ठीक है दूसरा पॉइंट लिखना है नंबर टू लिखना है इन प्रजातियों के द्वारा इन, इन प्रजातियों के द्वारा के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण इन प्रजातियों के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषण कौमा जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कौमा जैव विविधता का ह्रास जैव विविधता का ह्रास इत्यादि इत्यादि के बारे में इत्यादि के बारे में इत्यादि के बारे में जानकारी के इत्यादि में के के इत्यादि के बारे में जानकारी मिलता है के बारे में जानकारी मिलता है अब उसको ब्रैकेट देना है जानकारी मिलता है अब आप उसमें ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट में ये तीन शब्द को लिखिए अब पूर्व चेतावनी पूर्व चेतावनी प्रणाली जिसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है पूर्व चेतावनी प्रणाली का काम करता है हमें जानकारी देता है कि प्रदूषण हो रहा है जलवायु परिवर्तन हो रहा है या जैव्यता की हानि हो रही है तो उसको कहते हैं सांकेतक ठीक है सांके अब आप उदाहरण लिख लीजिए आप उदाहरण लिखिए प्रवाल विरंजन प्रवाल विरंजन जिसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है प्रवाल विरंजन क्या बताता है हमें प्रवाल विरंजन हाँ तो उसको आप कंटिन्यू लिख लीजिए प्रवाल विरंजन से प्रवाल विरंजन से सागरीय लिखिए सागरीय तापन ओशन वार्मिंग बोलते हैं सागरीय तापन एवं महासागरीय अमलीकरण प्रवाल विरंजन से सागरीय तापन एवं महासागरीय अमलीकरण उसका एसिडिफिकेशन कहते हैं अमलीकरण का पता चलता है साग, महासागरी अमलीकरण का पता चलता है है ना ओशियन एसिडिफिकेशन का पता चलता है मेंढक भी कई बार होता है कुछ पक्षी भी होते हैं अब जैसे एग्जाम्पल है एक प्रकार का पक्षी होता है कैनरी बर्ड बोलते हैं जो जहां कोयले का खनन किया जाता है तो कोयले के खानों में क्या होता है मिथेन गैस होता है तो ये पक्षी बताता है कि कहा मिथेन गैस है भारत में एक जगह है नेवेली जो है लिग्नाइट कोयले का प्रकार होता है लिग्नाइट उसका वहां पर माइनिंग होता है तमिलनाडु में जगह है वहां पर बिल्कुल सही तमिलनाडु में और वहां पर अभी भी एक प्रथा है कि जहां पर जो अंदर जब जाते हैं वो कैनरी चिड़िया को लेके जाते हैं केन्द्री चिड़िया जो है केनरी बर्ड जो है ये बताते हैं कि कहा मिथेन है तो ये सभी के सभी संकेतक है अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल है यदि गंगा नदी में जहां पहले घड़ियाल पाए जा रहे हैं अगर घड़ियाल गायब हो जाए इसका मतलब है नदी का प्रदूषण हो रहा है क्योंकि घड़ियाल जो प्रजाति है है ना वो केवल और केवल साफ नदी के पानी में होता है है ना डॉल्फिन भी उसी तरह आता है तो डॉल्फिन का नहीं होना कछुए का नहीं होना या घड़ियाल का नहीं होना ये हमें बताता है कि गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है इंडिकेट करता है तो so, कई एग्जाम्पल ले सकते हैं एक नहीं है, कई एग्जाम्पल एक और आप लिखे लाइकन के द्वारा लाइकन के द्वारा के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस लाइकन के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में पता चलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में पता चलता है लाइकन के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में पता चलता है क्या इसका मतलब है अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जितना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा उतनी कमी हो जाएगी तो यानी कि लाइकन के कमी होने का जो दर है वो हमें यह बता सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की कितनी मात्रा है बढ़ती हुई मात्रा को ठीक है अगर वो एक सीमा से ज्यादा चला गया तो लाइकन ही खत्म हो जाएगा तो ये हो गया सांकेतक ठीक है अब मैं आ रहा हूं चौथे शब्द में संकटग्रस्त प्रजाति कौन बताएगा क्या संकट प्रजाति संकट ग्रस्त प्रजाति से हम क्या समझते है? जिनकी संख्या कम हो रही है कितनी कम हो रही है सत्तर प्रतिशत नब्बे इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स क्लास करते हैं ना इसलिए करंट अफेयर्स क्लास में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो केवल जो करंट में आता है वही बताता है जो आपको मंत्री मैगजीन लिखा हो तो वही पढ़ देता है वही बताते कि ये चीज वहां पर चीज लेकिन अब वहां सवाल यह उठता है क्या आप कंसेप्ट जानते हैं करंट में क्या होता है फैक्ट होता हो है कौन सा जो अत्यंत संकट ग्रस्त है संकटापन है सुभेद है उन वर्गों के बारे में जानकारी होता है तो मैं अब इस पॉइंट पे आ रहा हूं संकट ग्रस्त जो शब्द है ना इसका मतलब अलग है संख्या तो ठीक है वो तो कमी है वहां पर लेकिन इसको अलग तरह तो समझ जाए ये आयुषन का शब्द है आयुषन संस्था के द्वारा और संकटग्रस्त का मतलब होता है तीन श्रेणियां घोर संकट ग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटपन संकटापन एंडेंजर्ड सुभेद वनरेबल ये इसका मतलब होता है तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड मुझे बता रहे थे अत्यंत संकटग्रस्त इसमें तीनों श्रेणी आते हैं तो यहाँ पर लिखना है चौथा जो है संकटग्रस्त के बारे में पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट आयुषियन लिखिए आयुशियन आयुषन संस्था द्वारा आयुषन संस्था द्वारा लुप्त प्राय अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में प्रयोग कर लुप्त प्राय प्रजातियों लुप्त प्राय प्रजातियों को लुप्त प्राय लुप्त प्राय प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणियों में संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा जाता है लुप्त प्राय प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा जाता है ठीक है उसमें डैश देना है डैश अब उसके अंदर लिख रहे हैं नंबर वन पहला जो है अत्यंत संकटग्रस्त पहला श्रेणी हो गया अत्यंत संकटग्रस्त तो जब भी अखबार में संकटग्रस्त शब्द आता है थर्टेंड आता है तो आपको यह सवाल पूछना कौन सा श्रेणी है कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा तो तीन आता है तो पहला आता है अत्यंत संकटग्रस्त या घोर संकटग्रस्त जिसको कहते हैं सीआर क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है सीआर सबसे प्रयोग होता है अब जो आपने बताया वो सही है क्या होता है इसमें? इसमें कि पिछले अब लिखे पिछले दस वर्षों में अथवा तीन पीढ़ियों में तीन पीढ़ियों में कितनी प्रतिशत कमी आती है नब्बे प्रतिशत की कमी पिछले दस वर्षों में अथवा उस प्रजाति की तीन पीढ़ियों में है ना नब्बे प्रतिशत से अधिक अगर कमी हो जाती है तो उसको अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है अब जैसे उदाहरण लिखना है वो उदाहरण तो इसमें उदाहरण आता है घड़ियाल बाद में और भी मैं कई उदाहरण में दूंगा मैं घड़ियाल अब आजकल एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्षी का चर्चा हो रहा है राजस्थान में जीआईबी गुडावन गोडावन तो गुडावन जो है गुडावन राज्य पक्षी है स्टेट बर्ड है, है ना तो गुड़ावन जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का जो क्रिटिकली एंडेंजर बात है मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं असम में एक बहुत ही विशेष प्रकार का है, कहते हैं पिगमी हॉग कहते हैं हाँ बोना सुअर बो, सुगर कहते हैं पिग्मी हॉग हॉग जो होता है सुअर का प्रकार का, का होता है आठ किलोग्राम का वजन होता है छोटे साइज का होता है है ना पिग्मी हॉग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है साइबेरियन सारस अब भारत में साइबेरियन सारस नहीं आ रहा है लेकिन उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया अगर हम गेंडो की बात करें राइनोसेरस का तो उसमें एक सिंगी गेंडा जो है सुभेद है वन में आता है में नहीं है आज से चालीस वर्ष पहले था वो वर्तमान में नहीं है अगर गेंडो के प्रकार की बात करें क्रिटिकली एंडेंजर में अभी आजकल काफी चर्चा में जावा सुमात्रा है ना गेंडा जो है जो सुमात्रा ही या जावा जो होता है जावा जो गेंडा है ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर में आता है सबसे छोटा साइज का होता है।, है ना एक और मैं एग्जांपल देता हूं विश्व के तौर पे अफ्रीका में व्हाइट राइनो सफेद गेंडा अब ऑलमोस्ट वो खत्म होने वाला है आखिरी बचा हुआ है बस है ना उसका जो है सुडान सुडान नामक एक जो नर गेंडा था वो खत्म हो चुका है केवल एक ही बचा हुआ एक दो बचा हुआ है यानी कि उसकी संख्या अब खत्म होने पर ही है तो ऐसे जो उदाहरण है इसमें कई उदाहरण आते हैं जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कई एग्जाम्पल दिया होता है तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको सारे एग्जाम्पल याद रखना होता है कि कौन कौन से ऐसे प्रजाति वहां पर है अब नंबर टू आप किसी आप सेकेंड इसमें लिखिए आप नंबर टू ख संकटापन कई बार संकटापन लिखा होता है या संकटग्रस्त लिखा होता है आप बेटर है संकटग्रस्त लिखिए आप जैसे वो संकट ग्रस्त संकटापन ही लिखिए आप ज्यादा अच्छा है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा ये संकटग्रस्त और ऊपर संकटग्रस्त है संकटापन को क्या बोलते हैं इ एन क्या ई एन एंड है ना एंडेंजर्ड कहते हैं इसको अब आप डैश दीजिए लिखिए आप सेम चीज पिछले दस वर्षों में अथवा तीन पीढ़ियों में पिछले दस वर्षों में अथवा तीन पीढ़ियों में सत्तर प्रतिशत सेवेंटी सेवन जीरो अब ये सब रिवाइज हो चुका है सेवेंटी परसेंट की कमी संख्या की कमी होती है सत्तर प्रतिशत की कमी अगर सेवेंटी परसेंट की कमी हो रही है दस वर्षों में तीन पीढ़ियों में तो उनको संकटापन या एंडेंजर्ड श्रेण में रखा जाता है क्या उदाहरण है भारत के संदर्भ में एंडेंजर बताना है हाथी भारतीय जो हाथी है एंडेंजर्ड है अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है ठीक है उसको जोग्राफी संदर्भ पूछा गया था सवाल यह था कि भारत में सिंह पुछी बंदर लाइन टेल मकाक कहा पाए जाते हैं और चार राज्यों का नाम दिया हुआ था केरल तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश तो कहां पाया जाएगा लाइन टेल्ड मकाक सिंह बंदर बोलते हैं सिंह जैसा दिखता है लाइन टेल्ड मकाक जो होता है केरल में कर्नाटक में तमिलनाडु और ये तीनों राज्य का एक भाग है नीलगिरी नीलगिरी जो है तीन राज्यों से जुड़ा हुआ है नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व कहा जाता है आरसी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में नहीं आता आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में आता है नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट में यहाँ तो उत्तर जो था उसका केरल कर्नाटक तमिलनाडु तो लायन टेल मकाक या सिंह पुशी बंदर संगठापन में एंडेंजर में आता है तो आप इसका लिख लीजिए आप सिंह पुशी बंदर या इसको इंग्लिश के जो वर्ड है लायन टेल्ड मकाक बोलते हैं तो जो लाइन टेल मका या सिंह बंदर कहा जाता है कई बार किसी बहुत सारे एग्जाम में आपको यूपीपीसीएस, एमपीएससी आर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि भारत में कहा पाया जाता है एंडेंजर्ड है है ना अब मैं तीसरे पे आ रहा हूं तीसरा लिखिए आप सुभेद इसको वीयू कहा जाता है वनरेबल सुभेद वर्ग तो क्या होगा सुभेद वर्ग में बहुत आसान है सेम चीज को लिखना है यहां पर डे पिछले दस वर्षों में पिछले दस वर्षों में अथवा तीन पीढ़ियों में पिछले दस वर्षों में अथवा तीन पीढ़ियों में पचास प्रतिशत फाइव जीरो फिफ्टी पचास प्रतिशत कमी फिफ्टी परसेंट कमी यानी फिफ्टी परसेंट कमी है तो सुभेद वन सेवेंटी परसेंट है तो संकटापन एंडेंजर्ड और नब्बे परसेंट और अधिक है तो अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक है तो बैक ऑफ माइंड होना चाहिए कभी भी यूपीएससी आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा पचास 50 है अब 50, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं बाद में मैं और भी एग्जाम्पल लेकिन आप क्योंकि यहां पर मैं प्रजातियों के बारे में तो कुछ उदाहरण इसमें लिख लेना है इसमें आता है ऑलिव ऑलिव कछुआ ऑलिडलीडली जो कछुआ है समुद्री कछुआ ये सुभेद में आता है काजीरंगा मानस या असम में पाए जाने वाला जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है एक सिंगी गेंडा आज सुभेद वर्ग में तो आप लिख लीजिए एक सिंगी गेंडा वन हॉर्न राइनो जो है क्या है सुभेद में अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताता जिसपे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है लद्दाख में ले लद्दाख है ना ले लद्दाख एक प्रमुख जगह बन चुका है ठीक है तो हो सकता है लद्दाख के बारे में इस बार क्वेश्चन आ जाए जब कश्मीर और ये सारा अलग करने के बाद लद्दाख जो है अब लद्दाख जो है प्रगति के पथ पे लद्दाख में एक प्रकार का प्रवासी पक्षी होता है जो कि पहले जब राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसमें राज्य पक्षी का दर्जा था अब तो राज्य नहीं रहा संघ शासित देश हो गए यूटी बन चुका है लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो क्या वो पक्षी का नाम है नहीं हंगुल नहीं है हंगुल तो हिरन का प्रकार होगा हंगुल हंगुल अत्यंत संकट व्यस्त में आता है हंगुल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पक्षी है बर्ड है प्रवासी है भूटान चीन के तिब्बत और भारत में पाया जाता है काले गर्दन वाला सारस आप देखिए काले गर्दन का काले गर्दन वाला सारस इसको कहते हैं ब्लैक नेक्ट क्रेन कहा जाता है काले गर्दन वाला सारस ब्लैक नेक्ट क्रेन बोलते है। केवल लद्दाख में मिलते हैं ले लद्दाख और कहीं नहीं मिलेगा ठीक है तो ये तीनों श्रेणियों को मिलकर कहा जाता है थ्रेटेंड जो थ्रेटेंड वर्ड आता है संकटग्रस्त, जिसका इसका मतलब ये तीन श्रेणी में कोई भी एक हो सकता है क्लियर है यहां पर अब मैं नेक्स्ट में आ रहा हूं जो मैंने दिया प्रमुख प्रजाति जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रमुख प्रजाति क्या है? है ना तो आप नेक्स्ट जो है ये हो गया आपका वन टू तो, थ्री फोर फाइव पांचवा है ठीक है चौथे के अंदर मैंने ये सारे एग्जाम्पल दिया अब पांचवा जो पॉइंट देना है मेन पांचवा पॉइंट प्रमुख प्रजाति पहला पॉइंट उसमें पहले लिख लीजिए प्रमुख प्रजाति प्रमुख प्रजाति उसमें पहला पॉइंट लिखना है फर्स्ट पॉइंट ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो संरक्षण के लिए ऐसे प्रजाति जो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है ऐसे प्रजाति जो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक महत्वपूर्ण होता है, जैसे कहते हैं ना स्वच्छ भारत अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यानी उसको प्रायोरिटी दिया गया है, ना उसके संदर्भ में तो महत्वपूर्ण होता है तो उदाहरण आप लिख लीजिए उदाहरण उदाहरण जैसे लिखिए रॉयल बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर उसी को हिंदी में लिख रहे हैं आपको रॉयल बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल बाघ तो बाघ बोलना अच्छा नहीं होगा टाइगर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा तो रॉयल बंगाल टाइगर हो गया ठीक है और कौन सा हो सकता है कौमा दीजिए लाल पांडा लाल पांडा कहाँ लाल पांडा पाया जाता है रेड पांडा पूर्वोत्तर के राज्यों में खासो सिक्किम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में फिर आप कॉमा दीजिए आप लिखिए वहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ है ना बर्फीला तेंदुआ हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड कहा जाता है ये सब फ्लैगशिप है है ना हाँ नहीं वलरवल भी है तो वही कई बार क्या है कि किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये आपको देखना है लेकिन इसको फ्लैगशिप भी कहा जाता है क्योंकि इनका संरक्षण के तौर पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो है ना हाथी भी आएगा बाघ भी आएगा तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोगों को पता चले ये क्यों महत्वपूर्ण है ऐसे प्रजाति क्यों महत्वपूर्ण है तेंदुआ अलग है एक तेंदुआ कॉमन लेपर्ड होता है जो जंगलों में पाया जाता है तो वो नहीं है वो प्रायोरिटी नहीं है ठीक है ठीक है हाँ चीता जो से अभी चीता की बात हो रहा है तो चीता क्या है प्रमुख प्रजाति है ना अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न से कौन सा प्रमुख प्रजाति है फ्लैक्स स्पेसिज है और वहां नाम आ जाए जा चीता का तो चीता भी होगा क्योंकि तो चीता का संरक्षण का फिर वो प्रयास किया जाएगा हाँ हिम तेंदुआ का हिम तेंदुआ क्योंकि जो हिमालय के राज्य जो है वहां तेंदुओं की कमी है तो वहां पर अगर हिम तेंदुआ का पूछा जाए इन तीन वर्गों में कहां पर आता है हिम तेंदुआ संकट के आधार पे, लुप्तप्राय के आधार पे, एक संरक्षण के लिए आवश्यक है तो वहां हो गया प्रमुख प्रजाति और अगर हम संकट की बात करें लुप्त होने के संकट में तो हिम तेंदुआ सुभेद। सुभेद वो एंडेंजर्ड था पहले संकटापन में था अब ये सुभेद में आ चुका है तो देखना कौन से परिपेक्ष में यहां पर कॉन्टेक्स कौन सा है ठीक हाँ तो फिर वो हट जाएगा अभी वो उसको वो अब जो आयुष सिंह का नहर जो रेड बुक में आएगा तो फिर उसकी श्रेणी बदल जाएगी ठीक है अभी नहीं है कि बाद में बदल जाए अच्छा ठीक है अब ये प्रमुख प्रजाति है अब अम्बरेला स्पीसीज के बारे में लिखना है गुरैया पक्षी जो है बहुत कम हो चुकी है अभी तक उनका नहीं है अभी भी इसको नियर थर्टीन रखा गया है एंटी एक अलग वर्ग होता है हाँ कम है उसको कम अभी पूरे देश को क्रिटिकल क्रिटिकली रखा गया है ना ऐसा नहीं है कि गुरैया बिल्कुल बहुत कम हो चुका है शहरों में नहीं पाया जा रहा बस यही है है ना ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर ये चीज है तो कब कब क्रिटिकली एंडेंजर आता है जब संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाए अब जैसे गोडावन है तो गोडावन की संख्या बहुत कम हो चुका है कुछ ही जगहों पर राजस्थान जैसे बीकानेर जैसलमेर बीकानेर वहां पर हम जाते तब वहां देखते हैं कि वहां पर जी पाया जा रहा है ठीक है तब ये आप कर लीजिए नेक्स्ट जो है अम्ब्रेला स्पेसी लिखिए आप छतरी प्रजाति या अम्ब्रेला स्पेसी जो है अम्ब्रेला इंग्लिश वर्ड जो है वही हिंदी में लिखना है अम्ब्रेला अम्ब्रेला प्रजाति हाँ तो नेगेटिव इंपैक्ट है बिल्कुल की स्टोन की स्पीसीज का अगर संख्या बढ़ जाए तो नेगेटिव होगा लेकिन अभी वो की स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाघों की संख्या अगर बढ़ भी जाए तब भी वो की स्टोन होगा पर भी हम उसको हटाएंगे नहीं क्यों क्योंकि बाघ एक परभक्षी होता है उसका काम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक मैंने बताया कि अगर तुलनात्मक कम करें हिरणों से या बाकी अन्य प्रजाति की स्टोन प्रजाति कम होगी लेकिन उसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब इनका सवाल है कि बाघ अगर बढ़ जाए तो वहां तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा उस पारितंत्र में तो क्या हम उसको की स्टोन कहेंगे है, क्या हम उसको की रखेंगे बिल्कुल रखेंगे अब कोई ऐसा अब भारत में बाघों की संख्या बहुत अधिक हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाघ की नहीं है क्या मतलब की का काम किया तो अपने पारितंत्र को बनाए रखता है वो चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो ठीक है हो सकता है कि संख्या बहुत अधिक हो जाए भविष्य में बाघ ही बाघ नजर आए वो अलग बात है वहां पर लेकिन कीस्टोन कीस्टोन ये कंसेप्ट है एक लॉजिकल कंसेप्ट है वहां पर ठीक है अम्बरेला तो अमरेला पहला पॉइंट क्या आएगा ये बड़े प्रजाति होते हैं उसके आकार बड़े होते हैं ठीक है ठीके? तो पहला पॉइंट है फर्स्ट ठीक ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो बड़े आकार का होता है ऐसे प्रजाति जो बड़े आकार का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर बड़े आकार का छोटा नहीं होता है बड़े साइज का होता है बड़े आकार का होता है एवं रखिए एवं एवं प्रवास करता है एवं प्रवासन करता है प्रवासन लिखिए आप एवं प्रवासन करता है माइग्रेशन करता है प्रवासन करता है दो विशेष बात है एक साइज बड़ा होता है और दूसरा माइग्रेट करता है अगर ये दो चीजें हैं तब हम अमरेला कहेंगे दूसरा पॉइंट लिखिए सेकेंड पॉइंट प्रवासन करता है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंबर टू देखिए इन प्रजातियों का इन प्रजातियों का इन प्रजातियों का आवास स्थल इन प्रजातियों का आवास स्थल बड़ा होता है आवास स्थल बड़ा होता है तो तीसरा क्या कंसेप्ट है ऐसे प्रजाति अमरेला होगा जिनका आवास स्थल बड़ा होगा छोटे आवास स्थल भी नहीं बाघ है तो बाघ का भी बड़ा आवास स्थल होता है ठीक है तो ये तीन चीजें अगर मिलता है तब हम उसको कहेंगे ठीक है? तो तीसरा पॉइंट लिखिए आप थर्ड पॉइंट लिखिए इन प्रजातियों के संरक्षण से इन प्रजातियों के संरक्षण से आवास स्थल आवास स्थल में पाए जाने इन प्रजातियों के संरक्षण से आवास स्थल में पाए जाने वाले आवास स्थल में पाए जाने वाले अन्य प्रजातियों आवास स्थल में पाए जाने वाले अन्य प्रजातियों का भी आवास स्थल में पाए जाने वाले अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण होता है अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण होता है इसलिए अमरेला कहा गया छत्री कवर करना कि अगर हमने हाथी को संरक्षण किया तो हाथी के साथ अन्य भी संरक्षित हो जाएगा बाघ का संरक्षण करने टाइगर रिजर्व तो केवल बाघ का नहीं बाघ के अलावा और भी जीवों का संरक्षण होता है है ना तो ये इसको कहते हैं अमरेला स्पीसीज ठीक क्लियर हो रहा है तीन तीन चार जो कंसेप्ट में है अब उदाहरण उसमें जो भी देखना है आपको अब हम लोग ये लास्ट का दो आते हैं स्थानिक प्रजाति सातवा नंबर स्थानिक इसका एक और वर्ड होता है कई बार किताबों में लिखा था स्थानिक भी कहते हैं और देश भी कहा जाता है कई बार वर्ड भी आएगा यानी केवल उस देश में पाए जाने वाला अच्छा जा उदाहरण उदाहरण आप लिख लीजिए उदाहरण मैंने बताया उदाहरण आप लिख लिया हाथी वो सारा उदाहरण बताया तो जो मैंने स्लाइड में दिखाया ना वो स्लाइड वाले सारे उदाहरण दे दो तो। आप सारे उदाहरण लिखे हाथी कौमा बाघ पांडा है ना जो जो चीन में पाया जाए पांडा पांडा क्या होता है भालू होता है भालू वर्ग में आता है पांडा कौमा दीजिए आप गोरिल्ला अब लिखिए गुरिल्ला कहाँ गुरिल्ला पाया जाता है अफ्रीका में घना घना जगह होता है कोंगो बोलते हैं कोंगो बेसिन जो है तो गोरिल्ला कॉमा लिखिए आप डॉल्फिन डॉल्फिन जो होता है वो अम्ब्रेला स्पेस है डॉल्फिन कॉमा समुद्री कछुए समुद्री कछुए कश्यप जो होता है समुद्री कछुए और एक और आप एग्जाम्पल लिखिए वेल वेल जो वेल वेल जो संधारी होता है तो वेल और एक लास्ट लिखना है वो आपने फोटोग्राफ में भी देखा है वहां पर ध्रुवी भालू पोलर बेयर ध्रुवी भालू ध्रुवी भालू जो है भोजन के तलाश में एक जगह दूसरी जगह पर जाता है ध्रुवी क्षेत्र में और अभी क्या हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ का पिघलना हो रहा है तो उनपे उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है हाँ वो उसमें हाँ। गेंडा भी उसमें फोटोग्राफ में था एक संगी गेंडा भी होगा तो इसमें तीन चीज को ध्यान रखना है कि बड़े आकार का होता है जो मतलब प्रवास करता है और उसका रहने का स्थान बड़ा होता है नहीं डॉल्फिन छोटा नहीं होता छोटा मतलब मतलब बहुत छोटा नहीं छोटा मतलब नॉर्मल होता है डॉलफिन भी बड़ा होता है मतलब कहने बड़ा मतलब ये नहीं कि हमेशा हाथी होना चाहिए बड़े का मतलब ये नहीं कि हाथी ही होना चाहिए बाघ भी अगर बाघ बाघ भी कहने मतलब अपेक्षा अपेक्षाकृत जो छोटे जानवर होते हैं है ना चूहा या गिलहरी या पक्षियों की तुलना में बड़ा होता है नहीं डॉल्फिन भी बड़े साइज का हो बड़े मतलब बहुत बड़ा साइज नहीं कोई विशाल का ही नहीं होगा मैं कहने मतलब बड़े का मतलब ये नहीं कि विशाल का उसका आकृति होना चाहिए हाँ जैसे वेल वगैरह है वेल बहुत सबसे बड़ा है जिराब भी आ सकता है जिराब लेकिन फिर ये है ना कि जिराफ क्या प्रवास करता है फिर यहाँ वो सवाल है जैसे मान लो जिराफ अगर रखे हैं तो वो देखना क्या जिराफ प्रवास करता है तो जिराफ उतना प्रवास नहीं करता है लेकिन बाकी ये जो जो मैंने उदाहरण दिया है इनका चाहे वो समुद्र का हो सागर महासागर हो या वन क्षेत्र हो उनमें प्रवास होता है तो प्रवासी जो प्रजातियां होती है वहां पर आता है माइग्रेटरी स्पेसिस जो है अब लास्ट जो है यहाँ पर है आक्रामक प्रजाति अच्छा स्थानिक जो है सॉरी स्थानिक प्रजाति लिख लीजिए आप किसको मारता है हाँ तो मारता है उसका तो 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 काम ही है नहीं मारेगा तब तो उसको भोजन नहीं मिलेगा शिकार करना होता है बिल्कुल सही है अच्छा संरक्षण बाघ का या अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया अब मैं क्वेश्चन समझ गया मैं ये कहना चाह रहा कि अगर बाघ जो है परभक्शी है जो तो मारता है अगर बाघ को हम कर दे तो बाकी प्रजाति कैसे हो वो ऐसा नहीं है संरक्षण मानव संदर्भ में गया कि जब हम कभी भी बाघ का के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व घोषित करते हैं तो घोषणा करने के बाद केवल हमारा कार्य नहीं होता मनुष्य का की बाघ को बचाए तो जब हमने बाघ को अमरेला बना दिया है यानी कि जहां भी बाघ रह रहा है तो मनुष्य क्या करता है उस पूरे आवास स्थल में अन्य जो भी छोटे वगैरह प्रजाति है उनका भी संरक्षण करेगा तो जो वन विभाग होता है जब वन के अधिकारी होते वन विभाग उनका प्रयास होता है कि पूरा का पूरा आवास संरक्षित रहे है ना एक होता है कि हमने बाघ पर फोकस किया कि बाघ का शिकार नहीं होना चाहिए है ना बाघ का जो जो शिकार किया जाता है या जो तस्करी होता है उनके अंगों का वो चीज़ों को हम रोकें और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जहां जहां बाघ रह रहा है वो पारितंत्र बना रहे तो जब जब मनुष्य तैयार करता है तो इसका मतलब वो पारितंत्र अगर बना रहेगा वो आवास बना रहेगा तो वहां पर जो भी पेड़ पौधे वृक्ष घास अन्य प्रजाति सबका संरक्षण हो गया तो ये इनडायरेक्ट तौर पे होता है है ना भाग तो अपना काम करता रहेगा वहां पर उनका काम अपना तो वहां मेन यही होता है कि वो उसको बनाए रखना संतुलन बनाए रखना इस संदर्भ में आता है तो अब आप का लिख लीजिए पहला है। ये ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो जो एक निश्चित ऐसी प्रजाति जो एक निश्चित भौगोलिक ऐसी प्रजाति जो निश्चित भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं ठीक क्लियर है कहीं फिक्स जगह पे होता है सब जगह नहीं है ठीक है सभी जगह नहीं पाए उदाहरण आप लिख लीजिए उदाहरण नीलगिरी जो मैंने एग्जाम्पल दिया नीलगिरी ताहर तो हमें आकर हर ताहर। है ना बकरे का प्रकार होता है लेकिन वो हिरन नहीं है देखने में हिरन जैसा लगता है नीलगिरी ताहर ताहर तोमे आकर हर ताहर कॉमा दीजिए आप आ, एक और मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूं केवल अरुणाचल प्रदेश और हुलक लिखिए हुलक गिबन तो गिबन जो है बंदर का एप बोलते हैं इसको, हुलक गिबन अरुणाचल प्रदेश असम केवल उसी राज, उन राज्यों में ही पाया जाता है यानी भारत में सभी जगह नहीं है ठीक है एक और मैंने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को पता है भारतीय जंगली गधा इंडियन वाइल्ड लाइफ कहां पाया जाता है ये इंडियन वाइल्ड लाइफ गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में कच्छ का रण है ना कच्छ के रण में ये एक विशेष प्रकार का प्रजाति है है ना एक होता है धोबी का गधा और ये दूसरा गधा है ठीक है ये कैसा गधा है जो कि घोड़े जैसा दिखता है इसका गुजराती भाषा में इसको घुड़खर बोलते हैं घुड़खर घोड़े जैसा दिखता है वो ठीक है so, सो कहां पर कच्छ का रण में रण ऑफ कच्छ में तो ये भी क्या स्थानिक है तो ऐसे भारत में हजारों है एक दो नहीं हजारों है हजारों संख्या में आता है अब लास्ट जो पार्ट है आक्रामक जो है इसके साथ फिर हम लोग ब्रेक लेंगे पहले आक्रामक अकरा, ले लीजिए आप आठवां जो है आक्रामक प्रजाति आक्रामक प्रजाति में दो पॉइंट लिखना है आक्रामक प्रजाति में दो पॉइंट लिखना है पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ऐसे प्रजाति ऐसे प्रजाति जो विदेशी ऐसे प्रजाति जो विदेशी विदेशी मतलब होता है अब ब्रैकेट दीजिए जो जो विदेशी ब्रैकेट लिखिए एलियन ए एल आई एन है एलियन आपको पता है जो बाहर से आता है ऐसे प्रजाति ब्रैकेट जो जो विदेशी ब्रैकेट एलियन ब्रैकेट बंद करना है और और, और तेज रिखे और तेज रफ्तार और तेज रफ्तार में गुणन गुणन करता है है ना गुणन गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणन, गुणन करता है तेज रफ्तार में गुणन करता है है वहां पर गुणन करता है मल्टीप्लाई करता है हाँ गुणन, तो गुणन करता है क्या मैंने बताया पहला क्या है विदेशी मतलब बाहर से आता है और तेज रफ्तार से गुणल करता है मल्टीप्लिकेशन करता है दूसरा पॉइंट लिखिए दूसरा है दूसरा लिखिए सेकंड पॉइंट यह लिखिए यह प्रजाति यह प्रजाति नए स्थान यह प्रजाति नए स्थान में में प्रवास करके नए स्थान में प्रवास करके संसाधनों को संसाधनों को अधिक उपयोग में लाता है संसाधनों को अधिक उपयोग में लाता है कंटिन्यू करना इस सेंटेंस में अधिक उपयोग में लाता है जिससे जिससे स्थानिक प्रजाति को अधिक उपयोग में लाता है जिससे स्थानिक प्रजातियों को हानि होती है जिससे स्थानिक प्रजातियों को हनी होती है जो वहां के जो प्रजाति है जो वहां पहले से रह रहे हैं जो कहते हैं ना वहां का मूल प्रजाति जो है है नेटिव बोलते हैं उन पे होता ठीक और वो संसाधनों को अपने बेहतर तौर से उपयोग करते हैं तो ऐसे प्रजाति आक्रामक कहा, कहा जाता है अब इसका उदाहरण लिख लीजिए उदाहरण पहला ये जो जो मैंने क्लास में दिखाया मैं ऊपर लिख दे रहा हूं पहला है लेंटाना लेंटाना जो है फिर यहां तक कांग्रेस कांग्रेस घास तो कांग्रेस जो घास है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं है ये एक प्रकार का पौधा है कांग्रेस ग्रास कहते हैं इसको तो कांग्रेस जो ग्रास है इसको आप इसका लिख लीजिए पार्थेनियम बोला जाता है इसका जो साइंटिफिक नाम है पार्थेनियम है फिर आप लिख लीजिए ये जो जलकुंभी हाँ, तो जलकुंभी जो है इसको हाईसिंद बोला जाता है पूरा का पूरा तालाब जल कुंभी से भर जाता है ठीक है फिर यहाँ पे एक नाम जो मैंने बताया जुली फ्लोरा जो है जुली फ्लोरा जुली फ्लोरा ये पौधे का प्रकार है फिर मैंने मछलियों में बताया तिलापिया एक और नाम बताया जो आप सबसे जो परिचित है इस मछली के प्रकार में कैटफिश बोलते हैं मांगूर जो मांगूर मछली होता है बाजार में देखते तो वो टब में वो रखा जाता है काले रंग का होता है उसके मुछे होती है और कई बार आप तालाब वगैरह झीलों में भी देखते हैं मांगूर मछली जो होता है तो मांगूर जो है मांगूर लोग तो खाते भी है मांगूर वगैरह बाजार मिलता भी है काले रंग का होता है बड़ा सा ठीक है तो मांगूर जो है मांगूर क्या है एक प्रकार का आक्रामक है ठीक है पक्षियों में क्या एग्जाम्पल मैंने दिया जो घरेलू कबूतर जो है पिजन, ठीक है पिजन जो है कबूतर जो है फिर मैंने बताया घरेलू जो गेक्को आता है क्या है गेक्को छिपकली है हाउस गेक्को कहा जाता है इसका तो साइंटिफिक नाम गेक्को आता है जो हम छिपकली बोलते हैं हम भाषा में जो गेक्को कहा जाता है ये सभी आक्रामक प्रजाति जाती है तो कहने का मतलब पौधा भी हो सकता है कोई पक्षी भी हो सकता है सरी सिर्फ भी हो सकता है रेप्टाइल तो किसी प्रकार का उदाहरण हो सकता है यानी आक्रामक क्या है? एक तरह की विशेषता है ठीक है तो इसलिए आईएस कहा जाता IES मतलब Invasive Alien Species, IES है आईएस मतलब एलियन ठीक है एक आईएस है इंडियन सर्विस और एक है आईएस हो गया बाहर से वो आ, वो अमेरिका से लाया गया लाया गया अब इंडिया का हो गया ठीक है अभी ब्रेक ले लीजिए ब्रेक के बाद कंटिन्यू करता हूं मैं स्वागत है आपका बॉन्ड वाइल्ड शो में जो आपको रूबरू कराएगा वाइल्ड इंडिया से। इस शो के जरिए हम आपको उन जानवरों के बारे में जानकारी देंगे जो बेहद असुरक्षित है और विलुप्त होते जा रहे हैं। इन जानवरों को अपनी वजूद के लिए और अपने रहने की जगह के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह है जानवरों और इंसान के बीच में टकराव और जानवरों का अवैध शिकार कर रहे हैं लायन टेल मकाक की आई के रेड लिस्ट में विलुप्त होते जानवरों में से लायन टेल मकाक एक है लायन टेल मकाक भारत में सिर्फ पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि लायन टेल मकाक आज की दुनिया में कैसे गुम होते जा रहे हैं ये लंबा और घुमावदार रास्ता नमलाई की पहाड़ियों की ओर जाता है अनामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की सीमा पर फैली हुई हैं और ये पहाड़ियां पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में शामिल हैं यहाँ की ढलाने जंगलों और चाय और कॉफी के बगान से ढकी हुई हैं घने बादलों से बरसता सावन आसपास की हरियाली को सींच रहा है टेढ़े मेढ़े और घुमावदार रास्ते पर अचानक एक ऐसा मंजर दिखा कि कोई भी फिदा हो जाए विलुप्त होती हुई एक नीलगिरी टार सड़क के किनारे शांति से बैठी नजर आई वैसे भी कौन उम्मीद करता है कि पहाड़ियों के हाईवे पर अचानक यूं ही उसे एक विलुप्त होता जानवर दिखाई दे जाएगा नीलगिरी तार या नीलगिरी आईबेक्स नाम का ये जानवर नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिम घाट के दक्षिणी हिस्से का एक स्थानीय जानवर है इन प्रजातियों की सुरक्षा और बचाव के लिए मुन्नार में एराविकुलम नाम का एक नेशनल पार्क बनाया गया है यहाँ बहुत सी मादाओं और दो नरों का एक समूह था उनमें से एक वयस्क नर है जिसकी पीठ पर हल्के भूरे रंग का एक निशान है जो उसे अलग करता है आमतौर पर इनके रहने की जगह वर्षों वनों के पहाड़ों पर खुले घास के मैदान हैं, जो शोलास में घिरे रहते हैं उन्नीसवीं शताब्दी में शिकार और रहने की जगह की कमी की वजह से इनकी जनसंख्या में भारी कमी हुई उससे पहले टार की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी और ये इन पहाड़ियों पर सभी जगह पाए जाते थे बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई थी लेकिन बड़े स्तर पर इन जानवरों की सुरक्षा से इनकी जनसंख्या को बढ़ाने में काफी मदद मिली गुजरते वाहनों के बीच सड़क पर खड़े होकर विलुप्त होती प्रजातियों को सड़क के किनारे देखना एक कमाल का अनुभव था अनामलाई की ओर जाते समय इस नज़ारे की उम्मीद हमने नहीं की थी इसका एक कारण ये भी है कि बहुत से टूरिस्ट ड्राइव करते वक्त मजे लेने के लिए इन जानवरों की ओर खाना फेंकते हैं और ये उनके लिए असुरक्षित भी है और साथ ही जंगलों के कटने के कारण ये जानवर घूमने के लिए सड़कों पर आने को मजबूर है इससे अंदाजा तो हो ही गया था कि लायन टेल्ड मकाक के साथ भी यही कहानी होगी कोहरा अचानक घेर लेता है और फिर फौरन ही गायब भी हो जाता है कोहरे के बीच मालाबार थ्रश की आवाज कानों में पड़ती है उस वक्त शाम थी जब हम अपनी मंजिल वलपराई की ओर और, और हमें पता था लाइन टेल्ड मका के समूहों को ढूंढने के लिए हमें बहुत जल्दी जाना पड़ेगा हमारी रिसर्च के हिसाब से जिस जगह हम ठहरे थे वहाँ लाइन टेल्ड मका के कम से कम तीन दल तो मौजूद थे जल्द ही वो पेड़ों से उतर आए वो हमारी और कैमरे की मौजूदगी में पूरी तरह से बेपरवाह थे और एक नर तो हमारी कार पर ही चढ़ गया वहीं दूसरा कार के अंदर खाने की तलाश में घुस आया हमारी कार में खाने का कोई सामान तो नहीं था लेकिन हाँ पानी जरूर था हमारे कैमरा बैग में भी वो कुछ दिलचस्पी दिखा रहे थे जब हमने एक नर्स से बैग को लेने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा आक्रामक हो गया यहाँ की बढ़ती हुई इंसानी आबादी के बीच इन जानवरों ने अपना बसेरा चुना है पर्यटक हर तरफ कचरा फेंकते हैं और कभी कभार बंदरों को खिलाते हैं जबकि यहाँ के निवासियों के घर में और कूड़ादानों दानों में खाना मिल जाता है हमारे रिसर्च के हिसाब से तमिलनाडु केरल और कर्नाटक के जंगलों के पास लायन टेल्ड मकाक के लगभग सैतालीस दल मौजूद हैं। ये सभी स्टेटो में बटे हुए हैं वर्षा वनों की पंक्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पाया जाता है जिससे किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है लाइन डेल मकाक की तादाद तीन से चार हजार जानवरों के बीच है एक दल में बीस से तीस जानवर होते हैं सोशल इनके सामाजिक ढांचे में उतना विकास नहीं हुआ है मकाक की दूसरी प्रजातियों की तरह ये उतना बातचीत नहीं करते हैं ज्यादातर वक्त ये एक दूसरे को संवारने में बिताते हैं। ये अपने चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं शिशु ज्यादा असुरक्षित होते हैं क्योंकि दूसरे जानवरों से इन्हें खतरा होता है इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। अगर वो अपने आसपास के नज़ारे भी देखना चाहते हैं, तो खतरे के अंदेशे को ध्यान में रखकर उनकी माँ उन पर सुरक्षा भरी नजर रखती है और उन्हें बचाती है जब एक समूह अपने लिए खाने की तलाश में जा रहा था तो हमने उसका पीछा किया और जल्द वो हमारी मौजूदगी के आदि हो गए ये चूँकी पुराना कॉफी एस्टेट था इसलिए बहुत बड़े पेड़ नहीं थे लिहाजा बंदर भी जमीन पर ही कॉफी के फलों को खा रहे थे इनकी पूछ शेरों की तरह होती है इसलिए इन्हें लाइन टेल्ड मका का नाम दिया गया है काकर या बाकिंग डियर और कुछ सांबार भी खाने की तलाश में उस समूह में शामिल हो गए हमारी मौजूदगी से इन बंदरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था लेकिन घने जंगलों में इंसानी आबादी से दूर जो समूह है उनके साथ ऐसा हरगिज नहीं होता वो इंसानों से दूरी बनाए रहते हैं इन समूहों ने जमीन पर काफी समय गुजारा ठीक तो है तो इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया है की लाइन टल क्या होता है और नीलगी ताहर क्या है ना इसमें इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। है ना मुन्नार ये जगह जो मुन्नार है है ना मुन्नार का एरिया जो क्षेत्र है वहां पर है और ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें बताया भी कि तीन राज्यों का नाम लिया गया कर्नाटक केरल और तमिलनाडु है ना, ना वहां पर पहाड़ियों में पाए जाते हैं अब जो टॉपिक हम लोग क्लास में करने जा रहे हैं पारिस्थिति की अनुक्रमण के बारे में तो मैं इसमें सारी चीज़ों को मैं लिखता जाऊंगा उसको कॉपी करना है आपको मैं समझाऊंगा उसको और उसके बारे में पॉइंट जो भी है आपको क्लास में आपको उसको नोट डाउन करना है तो आप उसमें टाइटल दे दीजिए आप शीर्षक दीजिए आप पारिस्थितिकी की अनुक्रमण परिस्थिति के अनुक्रमण है आ, ये आ, लाइट ठीक है या मैं इसको ऑफ करा दूँ? ये लाइट को ऑफ कर दीजिए आप तभी वो दिखेगा दूर तक दिखेगा ना बस ये जो लाइट है, जो के जो है। के वाला कर पहला पॉइंट जो है पहले मैं कुछ उदाहरण में दे रहा हूं उसके बाद फिर मैं सारे पॉइंट पे आऊंगा जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि बंजर भूमि है जहां पे चट्टान या शैल पड़ा हुआ है रॉक है तो यहाँ पे क्या होता है कुछ वर्षों के बाद अपर्दन क्रिया के द्वारा या अपघटन क्रिया के द्वारा यहाँ मृदा का बनना होता है इस मृदा में उस टाइम पे यहाँ पर पहले जो प्रकार के जीव होते हैं जैसे लाइकेन या हो सकता मॉस मॉस जो छोटे तरह का पौधा होता है जैसे जैसे समय बीतता है उसी स्थान पे जहां पे मृदा पहले नहीं था बंजर भूमि था वह मृदा का बनना हुआ लाइकन और मॉस जैसे जो ऐसे सजीव का रहना हुआ समय के बीतने के बाद क्या है हवा या पवन से या पक्षियों के द्वारा वहां पर कोई ना कोई बीज गिरा दिया जाता है और ये बीज के अंकुरन के बाद इस जगह पे ये धीरे धीरे घास के मैदान में तब्दील हो जाता है जिस तरह समय का बीतना होता है फिर इसी स्थान पर यह पाया जाता है कि अन्य बड़े पौधे जो है उनका आना होता है जो पौधे वहां बनना और लंबे समय के बाद सैकड़ों वर्षों के बाद जिस जगह एक बंजर भूमि थी वहां पर एक पूरा का पूरा पारितंत्र जो है वन जो है वन क्षेत्र आ जाता है इस प्रक्रिया को अनुक्रमण कहते हैं इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले नवीन समुदाय से होता है जिसे कहा जाता है पायोनियर जो पहली बार उस स्थान पर पहुंचता है और ये जाके प्रक्रिया जो है अंत में धीमी हो जाता है या स्थिर हो जाता है चरम समुदाय पे जिसे कहा जाता है क्लाइमेक्स और जो बीच के जो जो भी बदलाव हो रहा है जो परिवर्तन हो रहा है जहां छोटे घास या घास का मैदान या छोटे पौधे बगराते हैं ऐसे जो है इसको कहते क्रमिक समुदाय कहते क्रमिक समुदाय कहा जाता है यानी कि किसी भी जगह पे जहां पर अनुक्रमण हो रहा होता है वहां पर सबसे पहले शुरुआत होता है ऐसे प्रजातियों से जो पहली बार वहां आता है उसे नवीन समुदाय या पायूनियर कहा जाता है उसके बाद जाके सेरल होता है ऐसी आर एल सेरे बोलते हैं और अंत में जहां वन बन जाता है जहां पहले वन नहीं था वनस्पति नहीं था उसको चरम समुदाय कहा जाता है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया प्रकृति में लगातार चलती रहती है इसको पारिस्थितिकी में अनुक्रमण कहा जाता है ठीक है उदाहरण यहां पर है दूसरा है जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटा सा तालाब है ठीक है जहां पर पानी भरने के बाद जो गड्ढा जो होता है तालाब को बनना होता है तो यह देखा जाता है कि ये तालाब में धीरे धीरे जो है अवसाद का जमा होना होता है और फिर कुछ प्रजातियों को आना होता है जैसे मान लीजिए यहां पर सेवाल वगैरह जो है सेवालों का आना होता है जैसे जैसे समय बितता है यह तालाब जो धीरे धीरे और भर जाता है जल का जो स्तर होता है कम हो जाता है यहां पर और फिर हम ये पाते हैं कुछ और प्रकार के पौधे जो है पौधों के प्रकार यहाँ पे इस तालाब में आता है जैसे समय बीतता है समय के साथ साथ ये धीरे धीरे दलदली भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर समय के साथ जिस जगह एक तालाब हुआ करता था वो फिर एक तरह का वन पारितंत्र में परिवर्तित हो जाता है यह भी एक तरह का अनुक्रमण है जो कि जली पारितंत्र से शुरुआत हुआ है एक मैंने एग्जांपल दिया बंजर भूमि ठीक है दूसरा उदाहरण हो गया कि जहां पर पहले से तालाब या झील है और सैकड़ों वर्षों के बाद वहां पर बन आ गया तो यह भी एक अनुक्रम मैं एक और उदाहरण देता हूं जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जब पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हिमानी या हिमनद होता है ग्लेशियर होता है और ग्लेशियर के पिघलने के कारण है ना वहां पर एक प्रकार का अवसाद जमा होता है क्या उसको कहते हैं ये आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पर्वत है जहां पर पहले से ग्लेशियर था हिमनद वहां पर जब क्या होता है हिमनद ग्लेशियर बर्फ का चलता हुआ पहाड़ होता है गतिमान होता है और जब उसका पिघलना होगा जब यहां पर बर्फ का पिघलना होता है तो उसी जगह पे पिघलने के बाद जिस जगह पे हिमनद था वो हिमनद कम हो गया तो यहां पे जो गाद जमा होता है एक तरह का इसे कहा जाता है क्या इसके शब्द इसको बोलते मोरेन बोलते हैं और ये देखा जाता है कि फिर समय के साथ जैसे समय बीतता है उसी जगह पे जहां पे पहले हिमनद या ग्लेशियर हुआ करता था अब उस जगह पे उस ढलान में वृक्ष या पेड़ पौधे आ जाते यानी कि वह बन आ जाता है तो ये भी एक तरह का अनुक्रमण है तो मैंने क्यों उदाहरण दिया तीन उदाहरण ये बताने के लिए कि अनुक्रमण जो है किसी स्थान पर भी हो सकता है मैदानी भाग में भी हो सकता है रेगिस्तान में भी हो सकता है जहां ज्वालामुखी उद्गार होता है ज्वालामुखी प्रदेश में हो सकता है जहां तटवर्ती क्षेत्र होता है तट या कोस्ट होता है जैसे मैंग्रोव वन मैंग्रोव वन एक तरह का अनुक्रमण का वहां पर परिणाम है या पहाड़ी ढालों में हो सकता है या कोई तालाब या झील में हो सकता है तो ये एक तरह का परितंत्री तौर पर एक तरह का कल्पना है परिकल्पना है ठीक है और ये टॉपिक इसलिए में। पहला ये समझ में है कि पर बंजर भूमि है सैकड़ों वर्षों के बाद वहां बन आ जाता है या जहां पर तालाब है वहां पर सैकड़ों वर्षों के बाद बन आ जाता है और तीसरा मैंने बताया जहां पर पहाड़ी ढालों में जहां पहले हिमनद या ग्लेशियर हुआ करता था वहां पर भी फिर कई वर्षों के बाद वहां पर पेड़ पौधे आ जाते हैं ये तीनों के तीनों का उदाहरण जो है अनुक्रमण या अनुक्रम कहा जाता है एक नहीं इसमें क्या हम पाते है? एक दिशा होता है डायरेक्शन होता है सबसे घास के भूमि आएगा घास फिर उसके बाद छोटे पौधे आएगा छोटे पौधे के बाद बड़े पौधे आएगा एक तरह का क्रम होता है क्वेंस होता है वहां पर यह नहीं की आज अगर पेड़ों को कटाई कर दे एक स्थान को मृत कर दे तो वहां तुरंत वन आ जाएगा ऐसा नहीं होता है धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसमें पारितंत्र में जो समुदाय होता है उसमें परिवर्तन होता है बदलाव होता है अब जैसे घास का भूमि है तो घास की भूमि में क्या होगा ऐसे प्रजाति होगा जैसे पक्षी या सर्प या मेंढक वैसे प्रजाति जब वन बन जाएगा तो वन में क्या होगा स्तनधारी भी होगा है ना वहां पर प्रजाति बदल जाएगा तो समय के साथ चलने वाली यह प्रक्रिया जंतुओं में साथ साथ में पौधों में निरंतर चलता रहता है ठीक है तो ये पूरे के पूरे प्रक्रिया को पर्यावरण पार्षद उसको अध्ययन किया जाता है अनुक्रमण विषय में ठीक है यहां क्लियर हो गया तीन और ये याद रखना है जब यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो उदाहरण कुछ भी हो सकता है ये मैंने तीन उदाहरण दिया उदाहरण वो यूपीएससी चाहे कोई भी पूछ सकता है वहां पर ठीक है तो अब यहाँ पे ये तीन तो डायग्राम है अब इसका आप लिखिए यहाँ पर पॉइंट आप लिखिए पहले डायग्राम सबका हो गया या मैं एक कर गया तो चल चलिए आप पहले डायग्राम बनाइए फिर मैं नीचे दूसरे डायग्राम में आता हूँ मैं समझ दे रहा हूँ आप उसको कॉपी करें नहीं कुछ लोगों ने नहीं किया इसलिए मैं समझ दे रहा हूँ कुछ लोग होते तेज होते हैं कुछ लोग होते वो धीमी गति चलते हैं तो ना सबका साथ सबका विकास सबको साथ में लेके चलना होता है ठीक है हाँ विश्वास भी बहुत इम्पोर्टेंट है अब वो भी जोड़ दिया गया है ये सभी किताब में होगा जो भी पर्यावरण किताब पढ़ेंगे वहां पर दिया होता है अनुक्रमण के बारे में मोरेन होता है जो हिमनद होता है उसके द्वारा गाद या अवसाद होता है पिघलने के बाद वो उसका जमा होता है उसको मोरेन बोलते हैं और ये उपजाऊ होता है उर्वरक होता है उसमें जैसे मिट्टी होती है ना सॉयल का काम करता है तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे फिर समय के साथ वहाँ पेड़ पौधे आ जाते हैं है ना उसको मोरेन कहा जाता है पढ़ा होगा ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है ज्योग्राफी में जैसी लिंग वगैरह है ना जे लियोंग वगैरह जो है किताबें हैं वहाँ पर या जो भी आपका आजकल वो आता है ना कौन सा बर्नवाल कौन सी किताब है जो हाँ महेश बर्नवाल की किताब या जो माजिद हुसैन की किताब सब में दिया होगा है ना वहाँ सारी चीज़ें होती है माजिद हुसैन हाँ माजिद हुसैन का जो कुछ दिन पहले ही उनका जो नहीं नि, निधन तो पहले हुआ था उनका निधन का दिन मनाया गया था काफ़ी वेटरन टीचर थे वहाँ पर ठीक है तो उनका दो साल पहले उनका देहांत हुआ था उनकी किताब बहुत पॉपुलर किताब है भूगोल के लिए ठीक है ये तालाब के केस में मैंने एग्जाम्पल दिया यहां पर और एक यहां पर तो <laughs> मैं, मैं जो मैंने एग्जाम्पल दिया हिमनत के तौर पे ग्लेशियर के तौर पे इस बार ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है मैं मैं जो सब्जेक्ट जो विद्यार्थी नेगलेक्ट करता है ना वही यूपीएससी जाता है ठीक है और चार पांच सालों से क्या हो रहा है कि पीटी एग्जाम में ज्योग्राफी का कम आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी नहीं पूछा जाएगा एक तीन चार साल के बाद बदलाव आता है पेपर में ठीक है पता चला कि एग्जाम हॉल में झटका पंद्रह क्वेश्चन ज्योग्राफी से राइट फिर रोना धोना वहां पर जो है हो सकता है ये भी है इसलिए ये कभी भी ये नहीं चलना है कि पिछले एग्जाम में क्या क्या आ चुका है वही सारी चीजें वो क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी पे और मुझे लग रहा है ज्योग्राफी इस बार इंपॉर्टेंट है साइड में वहां पर मैंने पेड़ पौधे में पे वन लिखा है मैंने वन ने ठीक है सबका हो गया ठीक है आप लिखिए आप देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सेंटेंस लिखना है पारिस्थितिकी अनुक्रमण पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी किसी भौगोलिक स्थान पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी भौगोलिक स्थान परिस्थिति के अनुक्रमण किसी भौगोलिक भोगो, भौगोलिक स्थान में भौगोलिक स्थान में समय के साथ किसी भौगोलिक स्थान में समय के साथ निरंतर समय के साथ निरंतर चलने वाली समय के साथ निरंतर चलने वाली समुदायों समुदायों में परिवर्तन समुदायों में परिवर्तन का का अध्ययन अध्ययन का अध्ययन है निरंतर चलने वाली समुदायों में परिवर्तन का अध्ययन है क्या होता है अनुक्रमण जब किसी स्थान पे चाहे वो स्थान कुछ भी हो जब वहां समुदायों में जो बदलाव होता है और लगातार चलने वाली जो प्रक्रिया होती है जब समुदाय में बदलाव का अध्ययन किया जाता है उसे एक अनुक्रमण कहते हैं यह पहला हो गया परिभाषा अनुक्रमण क्या है सेम पॉइंट ऑफ फुल लिखना है अनुक्रमण अनुक्रमण स्थलीय स्थली एवं जलीय अनुक्रमण स्थलीय स्थल स्थलीय एवं जलीय पारितंत्रों पारितंत्रों में होता है स्थलीय एवं जलीय पारितंत्रों में होता है देना है उसमें सेम पॉइंट में लिखना है अनुक्रमण की शुरुआत की शुरुआत नवीन समुदाय की शुरुआत नवीन समुदाय से होकर नवीन समुदाय से होकर क्रमिक समुदाय क्रमिक समुदाय से क्रमिक समुदाय से चरम समुदाय में क्रमि, क्रमिक क्रमिक समुदाय से चरम समुदाय में स्थिर स्थिर हो जाता है चरम समुदाय में स्थिर हो जाता है चरम समुदाय में स्थिर हो जाता है फुल स्टॉप देना है अब यहां ये यह समझना है एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निम्नलिखित में से अनुक्रमण का सही क्रम क्या है ए नवीन डैश क्रमिक डैश जो चरम तो ऐसा वहां पर अरेंजमेंट दिया होगा अब मैं इसी में मैं इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया जो मैंने बोल इसको कहा जाता है पायोनियर और जो क्रमिक को कहते हैं सिरे बोलते हैं एसी आर एल कहते हैं सिरल जो चरण या जो प्रावस्था होता है जो अवस्था चरम से पहले आता है उसको क्रमिक या सिरल कहा जाता है सिरल अंग्रेजी वर्ड है हिंदी की किताब में जब पढ़ेंगे क्रमिक लिखा होगा ठीक है या कई बार सिरे भी लिखा होता है ठीक अंग्रेजी वर्ड हिंदी में दिया हुआ होगा उसमें और ये जो है क्लाइमैक्स है जहां पे अंत होता है उसका एंड होता है ये पहला पॉइंट हो गया जो पहला पैराग्राफ है अब यहां पे ये डायग्राम में ध्यान देना ये जो मैंने उदाहरण दिया तीनों के तीनों उदाहरण जो है प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है प्राथमिक मतलब होता है जहां पहली बार यानी मृदा का बनना होता है और वनस्पति का आना होता है यानी उससे पहले वनस्पति नहीं था है ना बाद में जाकर वनस्पति का होना होता है जिसको कहा जाता है प्राथमिक चाहे वो कोई भी स्थान हो ठीक है लेकिन जहां पहले से ही वनस्पति मौजूद है जहां पहले से ही वन परितंत्र है या घास का मैदान है या कोई भी प्रकार का परितंत्र है और मानवीय कारणों से या प्राकृतिक कारणों से वहां क्षति होती है और फिर पुनः दोबारा फिर वन आ जाता है तो द्वितीय कहा जाता है जैसे मान लीजिए वन में यहां पर दावा नल हो जाए फॉरेस्ट फायर बोलते हैं नल को फॉरेस्ट फायर या वनाग्नि कहा जाता है है ना? तो जहां वनाग्नि होगा या फॉरेस्ट फायर नल होगा तो उसके इसमें क्या होता है वन की क्षति होती है फिर हम क्या पाते है? जैसे समय बिकता है फिर यह पूरा वापस फिर वन बन जाता है लेकिन ये जो ये जो घटना होगा ये जो अनुक्रमेंट है ये फास्ट होता है जो पहली बार जो बनता है मृदा का बनना या पेड़ पौधे वनस्पति का आना उसमें समय ज्यादा लगता है सैकड़ों वर्ष लगता है लेकिन जब वनों की कटाई कर दी जाए या वन का क्षति होता है किसी प्रकार का नुकसान है और फिर पुनः वन आता है तो वो कम वर्षों में हो जाता है द्वितीय अनुक्रमण कम समय में होता है ठीक है तो अब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा एक सवाल आ सकता है कि प्राथमिक अनुक्रमण के उदाहरण क्या है एक दो तीन चार ऑप्शन दे देते जैसे पहला हो गया वनाग्नि दूसरा हो गया ज्वालामुखी विस्फोट तीसरा हो गया बाढ़ है ना चौथा हो गया वनोन्मूलन और फिर आपको ऑप्शन दिया जाए एक और दो दो और तीन ऐसे कॉम्बिनेशन होगा यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा होता है जब स्टेट लेवल एग्जाम होगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्राथमिक कौन सा है द्वितीय कौन सा है तो आपको पता है कि जो दावा नल है क्या होगा द्वितीय होगा है ना लेकिन जो जहां जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद क्या होता है लावा लावा ठंडा हो जाता है मैग्मा या लावा जो है उससे क्या होगा चट्टान बनेगा फिर समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा चट्टान मृदा में परिवर्तित होगा और फिर वहां पर वृक्ष या पेड़ पौधे का आना होगा तो वो प्राथमिक कहलाएगा लेकिन आप कहेंगे कि कि जहां ज्वालामुखी का फटना हो रहा है पहले से वहां वन है और ज्वालामुखी फटने के बाद वहां नुकसान हो तो उसको हम द्वितीय क्यों नहीं कहेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान हमारे पहले से जहाँ पर ज्वालामुखी है और वहां पर फॉरेस्ट है वन है और ज्वालामुखी फटना हो रहा है और फिर तब भी हम प्राथमिक कहेंगे

आपको कंसेप्ट को समझ कर रखना है कहां पे कौन सा उदाहरण प्राथमिक होगा या द्वितीय होगा वन क्या होगा अगर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं वनों की कटाई कर रहे हैं वो प्राथमिक कहलाएगा या द्वितीय कहलाएगा द्वितीय कहलाएगा क्योंकि तो पहले से वनस्पति मौजूद है और फिर हम उसको बदलाव कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना ये क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा आसान होगा एक बार चीजों को आपने समझ लिया बस काम खत्म हो गया उसके बाद आपको उसमें पूरा पीएचडी नहीं करना है आमतौर एनसीआर किताब में क्या बहुत डिटेल दिया होगा मुख्य बातों को ध्यान में रखना है तो अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए आप जो मैंने समझाया मेरे को नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए आप अनुकरण अनुकरण दो प्रकार का होता है अनुकरण दो प्रकार का होता है डैश देना नंबर वन, प्राथमिक अनुकरण नंबर वन प्राथमिक अनुकरण और फिर नंबर 2 दीजिए द्वितीयक अनुकरण प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण अब आपको क्या करना है उसके जस्ट नीचे मैं भी यहां पर लिख रहा हूं मैं ये टेबल बनाना है मैसे में उदाहरण और अंतर जो है दोनों चीजों को यहां पर टेबल में रख रहा हूं मैं पहले मैं लिखे दो प्रकार का होता है प्राथमिक और द्वितीय प्राइमरी और सेकेंडरी अब क्या इसमें अंतर है या क्या होता है अब मैं इसको टेबल के तौर पे दे रहा हूं मैं ठीक है तो प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय जो है तो पहला पॉइंट प्राथमिक का फर्स्ट तो यहां पर क्या होगा पहला पॉइंट मृदा का, का निर्माण पहली बार होता है तो प्रथम बार अब देखिए प्रथम बार मृदा का निर्माण ठीक है पहली बार मृदा बनता है यहां पे क्या है मिर्जा पहले से मौजूद होता है ये पहला अंतर हो गया ठीक है दूसरा पॉइंट क्या है प्राथमिक में पहले से वनस्पति नहीं होता है वनस्पति का बनना होता है तो यहां पे क्या है वनस्पति का पूर्व काल में उससे पहले जो है में नहीं होना ठीक है जबकि यहां पर क्या है वनस्पति पहले से मौजूद होता है ठीक है मौजूद होता है तीसरा पॉइंट जो है यह धीमी गति का धीमी गति की प्रक्रिया है और मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं कई बार यहां पर सैकड़ों वर्ष लगते हैं सैकड़ों वर्षों में चलने वाली प्रक्रिया जबकि द्वितीय क्या होगा कम समय में होता है कम समय का मतलब ये नहीं कि एक वर्ष में वहां हो जाएगा वहां भी दस वर्ष का समय लगता है बीस वर्ष का अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ बहुत सिंपल से उदाहरण है भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती की जाती है झूम खेती क्या होता है स्लैश एंड बर्न बोलते हैं वहां के जो आदिवासी जनजाति है वो वन क्षेत्र को क्लियर करके वहां खेती करके फिर जला के फिर वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहां तीन चार साल के बाद पांच साल के बाद जब उनका वापस आना होता है तो क्या होगा जब वो वापस आने पर वहां फिर वहां पर वनस्पति का आना होता है लेकिन आज ये संकट क्यों इसको क्यों मुद्दा बनता है कि जिस पैमाने पे किया जाता है जो सभी जनजाति वहां के जिस पैमाने पे उस प्रकार की झूम खेती करता है उससे पूरा का पूरा वन क्षेत्र जो है नुकसान होता है लेकिन आज से हम पचास वर्ष पहले की बात करें तो वहां पर जनसंख्या कम होगी तो वो जब भी वो घूम के वापस आते होंगे तब तक फिर वन हो जाता होगा अब इसका प्रभाव ज्यादा हो गया क्योंकि अब वहां के जनजाति की संख्या जन बढ़ चुकी है और उनको खाने के लिए भोजन चाहिए तो ज्यादा झूम खेती करते हैं ज्यादा झूम खेती है तो वन का नुकसान होगा लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वहां भी अनुक्रमण ही होगा है ना ये एग्जाम्पल तो झूम खेती अगर क्वेश्चन में आ गया तो द्वितीय कहलाएगा वो ठीक है अब चौथा जो है उदाहरण आप दे दीजिए आप चौथा पॉइंट या फोर्थ जो है उदाहरण तो पहला है ज्वालामुखी प्रदेश मैंने बंजर भूमि जो मैंने एग्जाम्पल दिया बंजर भूमि मरुस्थल या रेगिस्तान हाँ। कौन सा फर्स्ट पॉइंट जो है प्रथम बार मृदा का बन, बनना मृदा नहीं होती है बंजर भूमि में क्या है वहां सॉइल नहीं होता मृदा मतलब होता है जब मृदा के साथ खनिज होकर होता है नहीं मरुस्थल में मरुस्थल में भी होगा जब तक क्योंकि घास पौधों के लिए भी कहीं ना कहीं तो आपको मृदा चाहिए रेत में तो नहीं होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होती है बदलाव होता है समय लगता है इसलिए प्राथमिक क्या होता है सैकड़ों वर्ष लगता है अब जैसे राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष वगैरह जो है या पेड़ पौधे होते हैं तो जब तक मृदा नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा अब जहां अब जैसे कभी बार क्या होता है ना मैं इनका क्वेश्चन का बता रहा हूं दिमाग में ये चलता है मृदा मतलब राजस्थान रेगिस्तान मतलब रेत का टीला और ऊट वगैरह है वो एक भाग होता है कहीं पर हो सकता है रेगिस्तान में वहां ऐसा हो जैसे कि हम बीकानेर या जैसलमेर वगैरह जाए तो वहां पर है लेकिन रेगिस्तान का मतलब ये नहीं कि हर जगह पर रेत का ही पहाड़ होगा वहां भी कई जगह होता है जहां पेड़ पौधे होते हैं रेगिस्तान का मतलब होता है जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है जहां बारिश कम होती है तापमान अधिक होता है, है ना वह मरुस्थल जो है तो लेकिन जब मृदा बनेगा मृदा बनने में समय लगता है जल्दी मृदा में नहीं आएगा और केवल मृदा बनना नहीं चाहिए खनिज भी होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तभी पेड़ पौधा जो वहां पर तो समय लगता है वहां पर इसलिए प्राथमिक जब भी अनुक्रमण होगा वो लंबे समय के बाद होता है दीर्घ काल के बाद होता है कम समय में नहीं होता है लेकिन एक बार मृदा बन गया पेड़ पौधे वनस्पति आ गया तो उसके बाद अगर कुछ बदलाव होता है तो वो जल्दी होता है कम समय में हो जाता है क्योंकि पहले से मृदा है पहले से वहां पोषक तत्व है तो फिर अनुक्रमण होने में कम समय लगता है द्वितीय अनुक्रमण के लिए तो ये पॉइंट भी है और यहाँ पे क्या उदाहरण होगा चौथे पॉइंट जो द्वितीय जो है जैसे यहां पर मैंने वनाग्नि तो वनाग्नि जैसे है यह मल वनोन्मूलन डिफोरेस्टेशन जो है वनोन्मूलन हो गया पेड़ों की कटाई जो है या मैंने बताया झूम खेती जो है झूम कृषि या झूम खेती जो है यानी किसी ऐसे जो जहां से ऐसे वनों को नुकसान हो जाए चाहे वो मानवीय हो या प्राकृतिक हो ठीक है तो वहां पर द्वितीय कह जाएगा

अब मैं एक वैज्ञानिक का नाम ले लिखा फ्रेडरिक क्लिमेंट का नाम होता है क्लिमेंट और वार्मिंग दो वैज्ञानिक है जिन्होंने पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन करके इसके प्रावस्थाओं के बारे में बताया कि क्या क्या चरण होता है तो अभी एक ये भी क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नेक्स्ट पहले आप लिख लीजिए आप मैं इस पर तो लिखिए आप पारिस्थितिकी अनुक्रमण का पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन लिखिए स्थिति की अनुक्रमण का वैज्ञानिक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन प्रथम बार फ्रेडरिक 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 फ्रेडरिक्सिंग क्लिमेंट फ्रेडरिक क्लीमेंट के द्वारा लिखे फ्रेडरिक क्लीमेंट के द्वारा वर्ष 1916 1916 1916 सोलह फ्रेडरिक क्लिमेंट के द्वारा वर्ष 1916 में किया गया 1916 में किया गया 16 किया गया फुल स्टॉप देना सेम सेम पॉइंट पे फुल स्टॉप करना किया गया क्लिमेंट के अनुसार क्लिमेंट के अनुसार क्लिमेंट के अनुसार क्लिमेंट के अनुसार अनुक्रमण प्रक्रिया क्लिमेंट के अनुसार अनुक्रमण प्रक्रिया के निम्न अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रक्रिया की निम्न अवस्था है या प्रावस्था लिखिए प्रावस्था वर्ड ज्यादा बेटर है निम्न प्रावस्थाएं निम्न प्रावस्थाएं स्टेजेस बोलते निम्न प्रावस्थाएं हैं प्रावस्थाएं तो पहला डैश देना डैश अब मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर न्यूडेशन पहला जो प्रावस्था होता है न्यूडेशन उन्होंने तो क्या बताया कि कभी भी जब अनुक्रमण होगा तो पहले न्यूरेशन होना चाहिए अब बहुत सिंपल मतलब न्यूरेशन मतलब खाली स्थान का होना स्थान का है ना ओपन साइट होना तभी पर स्टार्ट होगा। तो आप उसको डैश दे दीजिए इसी में लिखिए डैश लिखिए अब किसी लिखिए किसी भौगोलिक स्थान पर किसी भौगोलिक स्थान पर किसी भौगोलिक स्थान पर भौगोलिक स्थान पर रिक्त स्थान रिक्त स्थान का बनना रिक्त स्थान का बनना खुला हुआ साइट होना, होना चाहिए ओपन साइट होना चाहिए जहां पर मृदा बन सकता है ठीक है फिर दूसरा पॉइंट लिखना नंबर टू सेकंड लिखना है सेकंड है यहां पर आक्रमण जिसको कहते हैं इन्वेजन या कई बार किताबों में लिखा होगा प्रवासन माइग्रेशन है ना या तो उसमें इन्वेजन वर्ड लिखा होगा आक्रमण या मैं लिख देता हूं या यहां पर प्रवासन लिखा होगा माइग्रेशन लिखा होगा फिर आप इसको डैश दे दीजिए डैश लिखिए आप डैश देने के बाद अब लिखिए रिक्त स्थान रिक्त स्थान में रिक्त स्थान में मृदा का बनना रिक्त स्थान में मृदा का बनना तथा 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 नवीन समुदाय का आना तथा नवीन समुदाय का आना मृदा का बनना तथा नवीन समुदाय का आना तो नवीन समुदाय क्या होगा लाइकेन और मॉस है ना तो पहले जन्म क्या है लाइकेन मॉस नवीन समुदाय का बनना आना जो है तो वैसे जब जैसे मृदा बनेगा तो लाइक एन होगा पहली बार जो भी प्रजाति आएगा जिसको कहते हैं इन्वेजन ठीक है अब यहां पर जो है तीसरा जो है तीसरा यहां पर जो चरण आता है इसको कहते हैं स्पर्धा प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन बहुत सिंपल सा है कॉम्पिटिशन में क्या है जैसे इसे समय बीतेगा जब और भी नए प्रजाति का आना होगा ऊपर तो उनके आपस में जल प्रकाश या कोई भी पोषक तत्व के लिए स्पर्धा होगी है ना कॉम्पिटिशन होगा तो आप लिख लीजिए डैश के बाद प्रजातियों के मध्य प्रजातियों के मध्य प्रजातियों के मध्य मध्य पोषक तत्व पोषक तत्व कॉमा प्रकाश पोषक तत्व कॉमा प्रकाश कॉमा जल जल इत्यादि जल इत्यादि के लिए स्पर्धा जल इत्यादि के लिए स्पर्धा कंपटीशन। अब क्या होगा इस कंपटीशन प्रक्रिया में जैसे माले घास का मैदान आया और छोटे पौधे हैं, इनके आपस में कंपटीशन चलेगा इस कंपटीशन प्रोसेस में क्या होगा कुछ अपने आप को अनुकूलित कर लेगा वो रह जाएगा और कुछ प्रजाति जो अपने आप को नहीं अनुकूलित कर पाता है वो वहां से अदृश्य हो जाएगा तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया क्लिमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया रिएक्शन कंप्रेशन के कारण क्या होगा रिएक्शन होगा ठीक है तो आप नेक्स्ट लिखिए फोर्थ जो है प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ब्रैकेट लिखिए रिएक्शन है कंप्रेशन और रिएक्शन दोनों साथ साथ में चलता रहता है अब रिएक्शन के बारे में लिखिए आप प्रतिक्रिया लिखिए प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिस्पर्धा के कारण के कारण प्रजातियों प्रजातियों का विस्थापन प्रतिस्पर्धा के कारण प्रजातियों का विस्थापन एवं 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 नए प्रजातियों का एवं नए प्रजातियों की स्थापना विस्थापन और नई प्रजातियों की एवं नई प्रजातियों की स्थापना इसको कहते हैं रिएक्शन कहते हैं प्रतिक्रिया तो ये कब होगा क्रमिक सेरल। तो ये प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया विस्थापन और स्थापन जो है यह चलता रहेगा लगातार और धीरे 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 समय के साथ वहां पर स्थिर स्थिरता आ जाएगी जिसमें चरम समुदाय का बनना होगा तो जो पांचवा स्टेज है पांचवा आप लिख लीजिए आप लिखिए स्थिरता स्थिरता को लिखना है स्टेबलाइजेशन जहां पे ये प्रक्रिया धीमी हो जाएगी प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी स्थिर हो जाएगा ठीक है तो यहां डैश देना है डैश लिखना है अंत में लिखे अंत में चरम समुदाय का बनना अंत में चरम समुदाय का बनना जहां 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 अनुक्रमण प्रक्रिया जहां अनुक्रमण प्रक्रिया स्थिर स्थिर हो जाती है जहां अनुक्रमण अनुक्रमण प्रक्रिया स्थिर हो जाती है स्टेबल हो जाती है वहां पर स्थिर हो जाती है अगर फिर कुछ बदलाव होगा तो फिर पुनः फिर पुनः फिर वहां पर शुरुआत होगा तो यहाँ क्वेश्चन कैसा आ सकता है फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है यूपीएससी परीक्षा में क्या होगा क्लिमेंट का नाम नहीं पूछेगा कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा सही क्रम अनुक्रमण का क्रम है और वहां ऑप्शन दे दिया जाए कि न्यूटेशन या कुछ ऐसे शब्द दे दिया जाए आपको ऑप्शन देखना होगा कि, कि शुरुआत से अंत तक क्या क्या उसमें प्रावस्थाएं या चरण होता है या अंत से शुरुआत तक क्या क्या स्टेजेस होगा तो केवल ये बैक ऑफ द माइंड में रख रहे आपको ठीक है थीके? तो यहां मैं क्लास को रोकता हूं लेकिन अभी थोड़ा दस सेकेंड रुकना है मैं उसको बता दू इसमें यह ध्यान रखना है जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं मैं आपको केवल नोट्स के तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट देख रहा हूं अभी आपने देखा होगा जो भी मैंने नोट्स लिखा है डिटेल नहीं लिखा है है ना डिटेल पार्ट पढ़ना है क्लास नोट्स क्या होता है कि कभी भी एग्जाम से पहले आपने रिवाइज कर लिया क्या अनुक्रमण क्या है या प्रजाति संदर्भ में क्या चीज आते हैं ठीक है दूसरी बात यह है अब जो नेक्स्ट क्लास होगा जो पर्यावरण होगा मैं कार्बन चक्र या जल चक्र या नाइट्रोजन चक्र में मैं नहीं जाऊंगा जो पोषक चक्र है यह हम लोग प्रदूषण से पहले पढ़ेंगे और जलवायु परिवर्तन से पहले जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदूषण ये सब चक्र से जुड़ा हुआ है अब मैं इसी टॉपिक को अनुक्रमण प्रक्रिया के बाद अब मैं इसी को आगे फॉरवर्ड करूंगा मैं विविधता में विविधता के तौर पर लेकर, से लेकर हो उसमें सम्मेलन कन्वेंशन प्रोटोकॉल सब कुछ आएगा ठीक है तो अगला क्लास जो है जैविक विविधता का क्लास होगा बायोडावर्सिटी का ठीक है तो यहां पर तो यहाँ क्लास हम लोग एंड करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ठीक है थैंक यू सभी को चली जब तक टॉपिक नहीं हो तब तक तो चलते रहेगा जब तक जहां हो पंद्रह बीस क्लास हो बारह क्लास हो जितना भी क्लास हो जब तक टॉपिक नहीं